आज का हमारा चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज, मैग्नेटिक फोर्सेस कैसे कैलकुलेट करते हैं पहले उसके बारे में बताता हूँ। अगर मान लेते हैं कि कहीं किसी कोई एक रीजन ऑफ स्पेस है जहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, मान लो किसी भी तरह का एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन में भी, मान लो तो ये एक रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो लाइंस दिखा रखे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस है, और यहाँ पे मान लो कि हमने क्या कर रखा है, एक चार्ज ले रखा है, और इस चार्ज पे चार्ज की मैग्नीट्यूड, पोलैरिटी, उसका मास सब कुछ पता है, और हमने क्या किया, इसको एक वेलोसिटी वी से प्रोजेक्ट करके रख दिया। फिर हमने देखा कि ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करके ड्रॉ करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमें ये दिख रहा है कि इसकी एक एंगल बन रही है, ये मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, टेंजेंट से ले आए, एंड इनके बीच में एंगल थीटा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल थीटा है। अब ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट देखा गया कि अगर हम थीटा की वैल्यू को 0 डिग्री या 180 डिग्री रखते हैं, थीटा की वैल्यू को 0 डिग्री या 180 डिग्री रखते हैं, तो कोई फोर्स नहीं लगती है, कोई भी मैग्नेटिक फोर्स इस पे नहीं लगती है, थीटा 0 डिग्री पे या फिर 180 डिग्री पे। मतलब अगर ऐसे बोले कि अगर प्रोजेक्शन मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो उस केस में कोई फोर्स नहीं लगती है। दूसरा ये देखा गया कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू आप 0 डिग्री से 180 डिग्री की तरफ बढ़ाते हो, या 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ाते हो, या फिर 180 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ घटाते हो, तो दोनों केस में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है वो इंक्रीज कर रही थी। मतलब 90 डिग्री पे मैक्सिमम है, 0 डिग्री पे जीरो है, 180 डिग्री पे भी जीरो है। तो इसको देख के एक चीज तो कॉमन सेंस पता चलता है कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा आएगी, है ना, होगी नहीं होगी? ये पहली चीज पता चल रही है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पे बेस करके बता रहा हूँ। दूसरी चीज ये देखी गई कि अगर सारे पैरामीटर्स को फिक्स कर दिया जाए और चार्ज का मैग्नीट्यूड को बढ़ाया जाए, तो देखा जा रहा था कि फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा था, एंड दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, तो ये देखा गया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज का मैग्नीट्यूड है। तीसरी चीज ये देखी गई कि मास के इंडिपेंडेंट है, मतलब मास से कोई लेने देना नहीं है। चौथी चीज ये देखी गई कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी बढ़ाने से मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी इंक्रीज कर रही थी, इसका मतलब कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिकली वेलोसिटी भी आई थी। ये सब जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स पे बता रहा हूँ। फिर चार्ज के सारा पैरामीटर्स को फिक्स कर दिया, मतलब चार्ज, मास, वेलोसिटी सब कुछ फिक्स कर दिया, इस बार मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथ को बढ़ाया, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाने से भी देखा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इंक्रीज कर रहा था और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी था। इन सारी चीजों को जब कलेक्ट करके देखा गया तो एक चीज दिखा कि मैग्नेटिक फोर्स की जब वैल्यू हमने कैलकुलेट करी उस पे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज जब कैलकुलेट करी, तो इस फोर्स की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज आ रही थी क्यू वी बी इंटू साइन थीटा आ रही थी, ये मैग्नीट्यूड वाइज आ रही थी। उसके बाद दूसरी चीज उन्होंने ये देखा कि जो फोर्स का डायरेक्शन था वो हमेशा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर था, हमेशा जो भी मैग्नेटिक फोर्स आ रही थी दैट वाज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे अभी आपको एक स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन में ही वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड मैंने ड्रॉ कर रखा है, तो उसका जो परपेंडिकुलर प्लेन आ रहा है, उस परपेंडिकुलर प्लेन की उसका उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन आ रहा है उसी तरफ फोर्स लग रही थी। अब उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा है, या तो स्क्रीन के अंदर हो जाएगा या फिर स्क्रीन के बाहर होगा, वही दो पॉसिबिलिटी है। तो देखा जा रहा था कि मैग्नेटिक फोर्स उसी डायरेक्शन में एग्जैक्टली आ रही थी। तो एक चीज तो पक्का पता चलता है कि अगर V और B के बीच में एंगल थीटा है, तो V और B का क्रॉस प्रोडक्ट भी हम डिफाइन करते तो V भी साइन थीटा ही आता, आता या नहीं आता, राइट? Yes, sir. और चार्ज की वैल्यू अगर पॉजिटिव थी, अगर चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव थी तो देखा गया कि फोर्स का डायरेक्शन V क्रॉस B के डायरेक्शन में ही था, और अगर चार्ज का वैल्यू नेगेटिव था तो फोर्स का डायरेक्शन V क्रॉस B के ऑपोजिट था। तो इनको जब फिर देखा गया तो फिर फाइनली जब उन्होंने कंपाइल किया इस रिजल्ट को, तो फिर उसके बाद फिर जो एक्सप्रेशन बना वो फोर्स का एक्सप्रेशन ऐसा आ गया। सो फोर्स की वैल्यू बिकम्स क्यू इंटू वी क्रॉस बी, लिख लिया, दैट्स इट। सो ये वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ आपका यू नो इक्वेशन हो गया। इसमें अगर आप देखोगे तो v क्रॉस b के डायरेक्शन में ही फोर्स आएगी तब जब q पॉजिटिव होगा। अगर q पॉजिटिव है तो v क्रॉस b के डायरेक्शन में फोर्स है, अगर q नेगेटिव होगा तो v क्रॉस b के ऑपोजिट आ जाएगा। समझ आ रही है? थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन है, क्रॉस प्रोडक्ट में आप हमेशा ध्यान रखना कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का जो प्लेन बन रहा है उस प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना है। The force will always be perpendicular to the plane containing V and B. तो V और B का एक plane बना लो जो भी दिख रहा है आपको,
क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन निकालते वक्त मैंने आपको काफी चीजें समझाई है, यू नो डायरेक्शन में। एक बार मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे आप हमेशा कंफ्यूजन होगी तो हमेशा दो पेन को लेके कैलकुलेशन करके देख लेना, ठीक है? जैसे एक ब्लैक पेन दिख रही है आपको, एक व्हाइट पेन दिख रही है, और ये ब्लैक पेन हम मान लेते हैं वेलोसिटी है, और व्हाइट पेन मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये वी है और ये बी है, तो वी और बी से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो फिर इस केस में क्या आएगा, या तो ऊपर या तो नीचे आएगा, राइट? है ना, दिख रही है आपको? Yes, ठीक है, या तो ऊपर या फिर नीचे, दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर जब हम कह रहे हैं इसका मतलब या तो ऊपर या तो नीचे ही आएगी, ठीक है? आप इसके प्लेन को ऐसे चेंज कर दो, ऐसे कर दो, ये भी हो गया ये भी हो गया, तो अब अंदर बाहर नहीं बोले, मतलब ऊपर नीचे नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे ये भी है और ये भी है, तो वी क्रॉस बी करेंगे तो या तो इधर अंदर आएगा या फिर मेरी तरफ बाहर आएगा। तो अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, ये इनके ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा, कैसा ओरिएंटेशन आपने ले रखा है। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में बेसिकली वी एंड बी है तो आप ऊपर ने नीचे बोलेंगे, अगर ये लोग वर्टिकल प्लेन में है, ऐसे वर्टिकल प्लेन में है, ऐसे वर्टिकल प्लेन में है, तो अब ये अगर वर्टिकल प्लेन में हो गए तो लेफ्ट और राइट बोलेंगे। समझ आ रही है आपको? Yes, sir. अगर 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 ये लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन में है बट ऐसे हैं, मतलब स्क्रीन के प्लेन में है, वी और बी का प्लेन, तो अब अंदर या बाहर बोलेंगे। समझ आ रही है ना? ठीक yes, है। और एग्जैक्ट डायरेक्शन जब आपको फाइंड करनी होगी तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप बोलते हैं कि प्लेन के परपेंडिकुलर तो दो पॉसिबिलिटी होती है, मतलब एक इधर तो एक उधर, दो पॉसिबिलिटी बनती है, और इन दोनों में से कौन सा होगा ये कंट्रोवर्सी आपका सॉल्व कौन करेगा, वो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन सॉल्व कर लेगा। तो अगर ये वेलोसिटी है, ये बी है, बी से बी की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करो, बी से बी कर्ल किया तो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अंदर की तरफ चला जाएगा। समझ आ रही है? तो अंदर की तरफ जो हम डायरेक्शन बोल रहे हैं किसका डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी इधर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी अगर इधर है, खुद सोच के देखो, जैसे कोई चीज अगर इधर जा रही है, इमेजिन करो ये इधर जा रही है और मैंने बोला कि उसके ऊपर फोर्स इधर लगा, तो फोर्स इधर लगने का मतलब क्या, उधर बेंड कर जाएगा ना। समझ आ रही है आपको? यस सर। धक्का खाने की तरह है ना, तो जैसे अगर सोचो कि ऐसे कोई चीज जा रही है, मैंने बोला कि उसको मैंने इधर धक्का दे दिया तो ऐसे बेंड कर जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि इधर जा रहा था तो अचानक से ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे नहीं होगा। आर यू गेटिंग इट? डिफरेंस समझ आ रही है? Yes. ऐसे जा रही है, वेलोसिटी ऐसी है और मैंने बोला कि इधर की तरफ मैंने धक्का मारा तो ऐसे पाथ उसका बेंड करेगा पाथ, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि वेलोसिटी अगर इधर है, आपने धक्का अंदर मारा तो बोलेंगे कि अब डायरेक्शन इधर हो गया, ऐसे नहीं करेंगे। समझ आ रही है? अंदर की तरफ जो आप डायरेक्शन बोल रहे हो किसका डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन है, एंड फोर्स का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम नहीं है, ध्यान रखिएगा। समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूं मैं? जो फोर्स का डायरेक्शन है दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन इन विच द पार्टिकल विल डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट किधर करेगा ये पता चलना चाहिए। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कोई चीज, अगर सोचो एक चार्ज पार्टिकल अगर मैं कह रहा हूँ ईस्ट की तरफ जा रही है और नॉर्थ की तरफ उसके ऊपर धक्का लगा, तो वो नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब ऐसे जा रहा है तो उसके फिर ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा। समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूँ मैं? Yes, sir. ठीक है, आर यू गेटिंग इट? फोर्स का डायरेक्शन डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन को शो करता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन को नहीं शो करता है। ऐसा नहीं है कि उसकी वेलोसिटी को सडनली चेंज करके एकदम फोर्स के डायरेक्शन में लेके चले गए, ये काम नहीं करना, ये नहीं करना है। ठीक है, गेटिंग इट? यस सर। ठीक है, तो ये चीज अब क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इससे रिलेटेड, वो एक एक करके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी इफ क्यू इज ग्रेटर देन जीरो एंड ऑपोजिट टू इट फॉर क्यू लेस देन जीरो। फिर फोर्सेस डायरेक्शन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, एंड नॉट डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब अगर इस सिचुएशन को मैं दिखाऊं एक बार डायग्राम में तो देखो कुछ ऐसा है, ये क्रॉस जो बना रहा हूं ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए मान लो बना रहा हूं, ठीक है, दिस इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अब ये सोचो कि एक चार्ज पार्टिकल लिया मैंने प्लस क्यू और इसको इधर वेलोसिटी देके छोड़ा मैंने राइट की तरफ,
अब सोचो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का जो प्लेन बन रहा है वो प्लेन अब सोचो कौन सा है, अंदर की तरफ वी है, अंदर की तरफ बी है और वेलोसिटी मैंने राइट की तरफ दिखा रखा है। तो अब अगर वी क्रॉस बी का डायरेक्शन देखोगे तो स्क्रीन में ऊपर की तरफ आ रही है ना। Yes, sir. V से बी की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करो, वी राइट की तरफ है एंड बी अंदर की तरफ है, तो वी क्रॉस बी अगर अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे तो ऊपर की तरफ थंब पॉइंट कर रहा होगा। इसका मतलब ये डायरेक्शन में आपका क्या हो गया, फोर्स हो गया। देखो तो चेक करो आ रही है क्या। Yes, sir. Yes, sir. तो चार्ज पार्टिकल इधर इधर नहीं चला जाएगा, अब चार्ज पार्टिकल क्या उधर डिफ्लेक्ट करेगा, पाथ को उसको बेंड करना है। तो इसका पाथ जो होगा वो कैसे दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। समझ आ रही है आपको? डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। समझ आ रही है सबको? ये उसका पाथ दिखा रखा है मैंने, दिस विल बी द पाथ। अगर यही चीज अगर नेगेटिव चार्ज होता, इमेजिन करो मान लो इसको वेलोसिटी हमने इधर दे रखा है और ये माइनस क्यू है मान लेते हैं, ठीक है। इस बार नेगेटिव चार्ज हमने प्रेजेंट कर रखा है, इस बार वी क्रॉस बी का डायरेक्शन तो अभी भी ऊपर है बट चार्ज नेगेटिव है, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, उल्टा। हाँ सर, यस सर। तो इस बार फोर्स हम नीचे दिखाएंगे और फोर्स अगर नीचे लग रही है तो डिफ्लेक्शन भी नीचे आएगी और डिफ्लेक्शन नीचे आएगी मतलब इसको बेंड नीचे की तरफ करना है, तो पाथ टेंजेंशियल होगा एंड ऐसा दिखेगा। समझ आ रही है आपको? यस सर, ठीक है। तो फोर्स के डायरेक्शन में उसको बेंड करना है, फोर्स के डायरेक्शन में लेके नहीं जाना है। डिफरेंस समझ आ रही है आपको? यस सर, यस सर, ठीक है। फोर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड हेंस इज परपेंडिकुलर टू बोथ, परपेंडिकुलर टू बोथ वी वेक्टर एंड बी वेक्टर इंडिविजुअली, दोनों से परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ओके, अगर फोर्स वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है तो क्या वो उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है? नहीं सर। नो सर, एनी फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है, राइट? आपको याद है सर्कुलर मोशन में आपने किया है, एक टेंजेंशियल फोर्स होती है और एक सेंट्रीपेटल फोर्स होती है। टेंजेंशियल फोर्स का काम है स्पीड को चेंज करना एंड जो सेंट्रीपेटल फोर्स होती है उसका काम क्या है, पाथ को बेंड करना। तो यहाँ पे फोर्स हमेशा वेलोसिटी से परपेंडिकुलर आएगी तो वो क्या करेगा, पाथ को बेंड करेगा, जो कि आपको दोनों एग्जांपल में ऊपर में दिख ही रहा है ना। तो इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, पाथ को बेंड करना। इसकी वजह से कभी भी स्पीड चेंज नहीं कर सकती है। कभी भी अगर स्पीड चेंज नहीं कर सकती तो क्या कभी भी ये वर्क कर सकता है उस पर? नहीं। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस की अगर बात करें और उसका वर्क कुछ है तो फिर वर्क हमेशा इसका क्या होगा, जीरो ही होगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा क्या है, वेलोसिटी से परपेंडिकुलर आएगा। समझ आ रही है आपको? यस समझ आ रही है? यस सर। इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इट कैन ओनली बेंड द पाथ ऑफ पार्टिकल बट cannot change its kinetic energy or speed, hence magnetic forces are incapable of performing work on moving charges. ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसी वजह से इनको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में काउंट करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मैग्नेटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की तो तभी बात करेंगे ना जब वर्क आएगा। यहाँ पे तो वर्क ही नहीं आ रहा तो फिर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की बात ही नहीं करेंगे। समझ आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Hence, they are considered non-conservative forces. Considered non-conservative forces. ठीक है, ठीक है। Next is,
देखो सिंस ये वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, ये फोर्स आपके वेलोसिटी पे डिपेंडेंट तो आ रही है, और वेलोसिटी तो फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है ना, ये एब्सोल्यूट चीज है, वेलोसिटी एब्सोल्यूट है, फ्रेम डिपेंडेंट होता है, फ्रेम डिपेंडेंट मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक एक ऑब्जेक्ट जो मुझे एक सर्टन वेलोसिटी से मूव करता हुआ दिख रहा है एक फ्रेम में, मैं अगर अपने फ्रेम को चेंज कर लूं तो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ दिखे, राइट? यस सर। तो इसका yes, मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स भी जब आप कैलकुलेट करोगे तो फ्रेम डिपेंडेंट आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फोर्स हर एक ऑब्जर्वर को सेम दिखेगा, डिफरेंट ऑब्जर्वर को डिफरेंट मैग्नेटिक फोर्स देख सकता है, समझ आ रही है? सिंस वेलोसिटी इज फ्रेम डिपेंडेंट, the magnetic forces are frame dependent too. ठीक है, ओके। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है, इसको हम यू नो ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है जो आपको बता रहा हूं मैं अभी, कि जब हम जैसे किसी भी चार्ज पार्टिकल पे अगर हम नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं, नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, इन दोनों का सम कैलकुलेट करते हैं, तो ये एक फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आती है। फ्रेम इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि आप किसी भी फ्रेम से कैलकुलेट करो आपको एक ही फोर्स मिलेगा, इस फोर्स को हम लॉरेंस फोर्स कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फ्रेम चेंज करते हो तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का कहीं ना कहीं आपस में इंटर कन्वर्जन होता है, आपस में इंटर कन्वर्जन होता है। मतलब जैसे अगर सोचो कि एक एक पार्टिकल है जो चार्ज पार्टिकल को अपने मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर रखा मान लेते हैं, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम से आप देख रहे हो आपको दिख रहा है वेलोसिटी है, तो आपने क्यू वी क्रॉस भी करके फोर्स भी निकाल लिया, ठीक है। बट अब ये तो आपको ग्राउंड फ्रेम से दिख गया उसके ऊपर एक फोर्स आ रही है, डिफ्लेक्शन दिख गया आपको, बट इमेजिन करो कि अब अगर कोई एक ऐसा फ्रेम चूज करे जो वेलोसिटी ऑफ चार्ज से ही मूव कर रहा था, तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज से ही अगर मूव कर रहा था तो उसके रिलेटिव तो वो रेस्ट पे था, तो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगना चाहिए था, बट फोर्स तो उसके ऊपर लग ही रहा है क्योंकि डिफ्लेक्शन तो दिखेगा ही उसको। अब अगर डिफ्लेक्शन दिख रही है तो अब किसकी वजह से दिखी? अब मैग्नेटिक फोर्स तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता था क्योंकि उसका वेलोसिटी नहीं है। तो अब हम कहते हैं कि ये मूविंग फ्रेम की वजह से क्या हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो गया है। कन्वर्जन कैसे होता है ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो हम नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करते हैं, नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कॉमनली नोन एज लॉरेंस फोर्स, तो लॉरेंस फोर्स आपका फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, बस इतना याद रखिएगा। मैग्नेटिक फोर्सेस की बात करें फ्रेम डिपेंडेंट है, और अगर लॉरेंस फोर्स की बात करें तो फ्रेम इंडिपेंडेंट आएगी। समझ आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अ frame independent force, frame independent force, commonly known as the Lorentz force. So अगर मैं Lorentz force calculate कर रहा हूँ तो ये लिखेंगे QE N plus Q into V cross B, ऐसे लिखेंगे। समझ आ रही है? Yes. ठीक है, सो ये ध्यान रखेंगे, ये पूरा का पूरा टर्म जो है, ये पूरा का पूरा टर्म जो है, दिस इज फ्रेम इंडिपेंडेंट होना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक चीज है, अगर मान लो कि किसी ने आपको ये कह रखा है कि एक चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मैंने रेस्ट पे रखा हुआ है, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पे रखा हुआ है, तो क्या वो मूव करना स्टार्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है या नहीं? तब कर सकता है जब आप मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज करो। मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ अगर हम चेंज करेंगे तो वो क्या करेगा, सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर देगा, और वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अब उस स्टेशनरी चार्ज पे फोर्स तो लगा पाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम फोर्स लगाते हैं तब तो वो वेलोसिटी के ऊपर थोड़ी ना डिपेंडेंट होता है, होता है क्या? नो सर।
इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स को हम क्या लिखते हैं, सिंपली क्यू ई, उससे वेलोसिटी से कोई लेने देना नहीं है। तो अब अगर कोई बोले कि एक स्टेशनरी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो बताओ उसको मूव करा सकते हैं या नहीं करा सकते? तो आप बोलेंगे करा सकते हैं अगर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, टाइम डिपेंडेंट है। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ले लो तो वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा, मतलब मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। बट अगर वो पोजिशन डिपेंडेंट है, पोजिशन डिपेंडेंट मतलब एक जगह पे जितना है दूसरी जगह पे डिफरेंट है, तो फिर उससे आपका डिफ्लेक्शन नहीं आ सकता है या मूवमेंट नहीं हो सकता है। समझ आ रही है? ठीक है। इफ अ चार्ज इज प्लेस्ड एट रेस्ट, प्लेस्ड एट रेस्ट, रेस्ट मतलब वी की वैल्यू जीरो है, ठीक है, देन देन नो मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट ऑन इट, मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट ऑन इट, बट इफ इट्स अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टीवीएमएफ मतलब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इफ इट्स अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड देन टीवीएमएफ कॉजेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी इंड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी इंड्यूस्ड इन द सराउंडिंग। Electricity to be induced in the surrounding, and this TVMF causes an electric field to be induced in the surrounding, and this can exert a force on the static charge now, on the stationary charge now, and cause it to move. क्लियर है? समझ आई सभी को? यस सर। ठीक है, अगर मान लो किसी ने आपसे ये बोला है कि एक रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एग्जिस्ट करते हैं, मतलब दोनों एक साथ हैं, इन अ रीजन ऑफ को एग्जिस्टिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक रीजन है जहां पे को एग्जिस्टिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, वहां पे मान लो कि अगर मैं चाहता हूं कि कोई एक चार्ज पार्टिकल है जिसको अनडिफ्लेक्टेड पास करानी है, तो क्या कंडीशन होना चाहिए? इन अ रीजन ऑफ को एग्जिस्टिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ चार्ज टू पास अनडिफ्लेक्टेड, फॉर अ चार्ज टू पास अनडिफ्लेक्टेड क्या कंडीशन होनी चाहिए बताइए? Sir, forces due to the electric field and magnetic field will be equal and opposite. मतलब net force zero कह रहे हैं आप? हाँ sir, हाँ. Opposite होने का मतलब क्या है? Velocity zero या फिर velocity का direction unchanged? Velocity का direction unchanged. But ज्योतिष मित्र ने जो बोला वो condition क्या बोला उन्होंने? Velocity constant, है ना? हाँ sir. दोनों अलग-अलग statement हो गया ना? Right? हम जो बोल रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें वो सिर्फ और सिर्फ ये बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड के बारे में कोई मेंशन नहीं कर रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज करवा भी सकते हैं नहीं भी करवा सकते हैं। समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी आते हैं, फॉर अ चार्ज टू पास अनडिफ्लेक्टेड देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, टू पॉसिबिलिटीज। पहला, वेलोसिटी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर इज पैरेलल टू ई वेक्टर, या फिर वेलोसिटी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर एंड दिस इज एंटी पैरेलल टू ई वेक्टर, मतलब ऐसा कुछ सिनेरियो ले लो आप। उल्टा भी कर सकते हैं, v vector anti-parallel to b vector and this is parallel to e vector, ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब basically parallel anti-parallel वाला ही खेल। तो अब इसमें कैसे होगा, जैसे imagine करो कि अगर हमने यहाँ पे एक charge particle को इधर का एक magnetic field दे रखा है and मान लो इधर का एक electric field भी दे रखा है, ठीक है,
और चार्ज पार्टिकल को हमने क्या किया यहाँ पे इसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया, इसको इसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया। तो अब लॉजिकली आप सोच के देखो कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज हम मान रहे हैं, ठीक है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज पार्टिकल इसी लाइन पे मूव कर जाएगा नहीं करेगा, खुद ही सोचो करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो हो गया, पैरेलल होने से मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गई, जीरो हो गई नहीं होगी। बट इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या जीरो है? नो सर। नहीं no. तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही चलता रह जाएगा ना, क्योंकि वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या है, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन। आर यू गेटिंग इट? यस सर। ठीक है, तो इसमें इसका क्या होगा, इसमें इसका एक एक्सेलरेशन आएगा डेफिनेटली, वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही आएगा, एंड दैट एक्सेलरेशन विल बी क्यूई बाई एम। तो इस केस में पाथ तो बेंड नहीं कर सकता ये। आर यू गेटिंग इट? ये क्या हो गया, उसका पाथ हो गया, बट इसमें उसकी स्पीड तो इंक्रीज किया ना, है ही नहीं है? यहाँ पे स्पीड चेंजेस एंड हेंस स्पीड चेंज करने से वेलोसिटी भी तो क्या बोलेंगे, चेंज कर गया ना, समझ आ रही है आपको? यस। तो वेलोसिटी यहाँ चेंज किया है ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड, नॉट ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरा पॉसिबिलिटी है मतलब हम अनडिफ्लेक्टेड पास करने की बात कर रहे हैं, अनडिफ्लेक्टेड पास करने की कंडीशन। तो अब दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि अब आप ऐसा चूज करो बी और ई को सच की नेट फोर्स ही जीरो हो जाए। अगर नेट फोर्स ही जीरो हो जाए, सोचो इफ एफ नेट अगर निकाले वही अगर जीरो हो जाए, तो इस केस में वेलोसिटी पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, होगा नहीं होगा? और वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या है, अनडिफ्लेक्टेड तो गया ना, राइट? पिछले वाले कंडीशन में अनडिफ्लेक्टेड बस दिखाया था, बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं थी, वेलोसिटी वेरिएबल थी क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड चेंज हो रही थी। तो अगर आपको नेट फोर्स जीरो चाहिए तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि क्यू को कॉमन आउट कर लें, तो ई प्लस ई क्रॉस बी ये जीरो होना चाहिए, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होना चाहिए दैट शुड बी नेगेटिव ऑफ वी क्रॉस बी, होना चाहिए ना? ठीक है, मतलब अगर किसी ने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑपोजिट टू वी क्रॉस बी रख दिया और एग्जैक्टली इक्वल रख दिया मैग्नीट्यूड में, तो फिर आपका काम हो जाएगा। जैसे मान लो, अगर मैं सिनेरियो एक दिखा रहा हूं आपको, जैसे मान लो कि हमने मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसा दे रखा है, लेट्स से दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और मैंने क्या किया यहाँ पे एक चार्ज को मान लो हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेट्स से दिस इज चार्ज क्यू एंड इसको मैंने एक वेलोसिटी इधर देके छोड़ दिया, ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ, दिख रहा है आपको, दिख रही है आपको वी क्रॉस बी स्क्रीन में बाहर की तरफ आ रही है? तो बाहर की तरफ का डायरेक्शन को हम लोग एक डॉट से दिखाते हैं, तो दिस इज द डायरेक्शन फॉर वी क्रॉस बी। और अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ चाहिए, अंदर की तरफ चाहिए, नहीं चाहिए? यस सर। तो देखो, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ ले लिया, ये अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, तो मेरा अनडिफ्लेक्टेड पास करने का कंडीशन हम मीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बस आपको ये इंश्योर करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड लेंगे आप, ये मैग्नीट्यूड कितनी लेनी है आपको, वी बी साइन थीटा लेनी है, समझ आ रही है आपको? आर यू गेटिंग इट एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, अंदर की तरफ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लिया, व्हाट वी डिड इज अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लिया एंड उसका मैग्नीट्यूड वी बी साइन थीटा दे दिया, तो वो पार्टिकल क्या होगा, इसी लाइन पे इस लाइन पे चलता रह जाएगा, समझ आ रही है? बट इस बार क्या है, उसका स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों ही क्या है, कॉन्स्टेंट है, समझ आई है? यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा ये बताओ मुझे कि इसमें किसी ने ये बोला, मतलब जैसे E वेक्टर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ V क्रॉस B देख के कोई ये बोल रहा है कि E, V और B म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, सही है गलत है? E, V और B म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, सही है गलत है? गलत है। क्लियरली दिख रहा है आपको, देखो V और B के बीच में एंगल क्या 90 है? नो सर। नहीं, मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, V और B के बीच में एंगल 90 होना ये मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, बट हाँ ई के साथ केस, समझ आ रही क्या कह रहा हूँ मैं? If V and B are mutually perpendicular, that will be a special case, but not the general case. General case में आप perpendicular नहीं भी ले सकते हैं। समझ आ रही है? Yes, yes sir. अगर मैं यहाँ पे mention करूँ, therefore V vector and B vector need not be mutually perpendicular.
need not be mutually perpendicular. If they are mutually perpendicular, if they are mutually perpendicular, that will be a special case. That will be a special case, which is used in velocity selector. In velocity selector. Velocity selector का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि एक region है जहां पे एक बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से पास कर रहे हैं, ठीक है, और उस रीजन में मुझे सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले चार्ज ही चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, तो हम कैसे यू नो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके ये अचीव कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे मान लो कि हमने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे चार्ज दिखा रखे हैं, लेट्स से यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस दिखा देते हैं, सब डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से मान लो मूव कर रहे हैं, ठीक है, हमें पता नहीं कौन कितना स्पीड से मूव कर रहा है, वी डू नॉट नो, बस सबको मैं ऐसे मूव करता हूँ दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ये सब इधर जा रहे हैं. अब मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे मान लो कि एक स्क्रीन लगा रखा है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस स्क्रीन में एग्जैक्टली एक सर्टन अमाउंट ऑफ वेलोसिटी जिसके पास हो, जैसे मान लेते 10^5 मीटर पर सेकंड, तो 10^5 मीटर पर सेकंड वाला जो चार्ज हो सिर्फ वही आके इस स्क्रीन को स्ट्राइक करे, बाकी कोई भी इस स्क्रीन को आके स्ट्राइक ना करे, ठीक है. तो मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड इज मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया अंदर की तरफ, ठीक है, ये अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दे रहे हैं, इसको मैं बी मेंशन कर दे रहा हूं, ठीक है, एंड साथ साथ में हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नीचे की तरफ लगाया, ठीक है. अब ये सोच के देखो, अगर सपोज ले किसी एक चार्ज को मैं बीच के किसी चार्ज को दिखा रहा हूं, उसके ऊपर फोर्सेस दिखा रहे हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स से बीच वाला को एक चार्ज दिखा रहे हैं, इसको मान लेते हैं ये एक पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स से दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्यू दिखा देते हैं, तो प्लस क्यू चार्ज है तो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन देखो ऊपर की तरफ आ रहा है, चेक करो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रहा है, यस सर, तो ये ऊपर की तरफ में मैग्नीट्यूड अगर लिखे तो क्यू वी बी लिखेंगे क्या, क्योंकि वी और बी के बीच एंगल 90 है, ठीक है, और QE का डायरेक्शन जो आएगा वो नीचे की तरफ आएगा. अगर ये दोनों कैंसिल कर गए, अगर ये दोनों कैंसिल कर गए, मतलब इसकी वेलोसिटी एग्जैक्टली वैसी वेलोसिटी है जो कि QE और QV को भी को कैंसिल कर रहा है, तो इससे क्या हमें वेलोसिटी मिल गया या नहीं मिल गया, ये सोच के देखो. इफ पार्टिकल पासिस अनडिफ्लेक्टेड, इफ पार्टिकल पासिस अनडिफ्लेक्टेड, तो कंडीशन क्या लिखो गया, QE का वैल्यू शुड बी QVB का वैल्यू. देखो चार से कोई लेना देना नहीं है, चार से कोई लेना देना नहीं है, तो यहां से आपको V की वैल्यू कितनी आ गई है, E by B आ गई है, ठीक है. तो अब ये अगर अगर सोचो, अगर मैं बोल रहा था जैसे कि मुझे वेलोसिटी 10^5 मीटर पर सेकंड वाला चार्जेस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, E और B को ऐसा चूज कर लूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जब रेशियो निकालेंगे हम ऐसा यूनिट में, तो वो मैग्नीट्यूड वाइज जो आना चाहिए वो 10^5 आना चाहिए. अगर ये मैग्नीट्यूड वाइज 10^5 आ गया, तो 10^5 मीटर पर सेकंड वाला जो भी चार्ज होगा वो सारा अनडिविएटेड पास करेगा या नहीं करेगा, सोचो. करेगा ना, तो ये जाके हमारा क्या होगा, यहाँ पे स्क्रीन पे जाके स्ट्राइक कर जाएगा. डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर. अब ये पॉसिबिलिटी भी हो सकता है कि किसी का वेलोसिटी जो है यू नो इस E by B का वेलोसिटी से ज्यादा है, किसी का हो सकता है कम भी हो. मान लेते हैं जैसे नीचे के किसी चार्ज को दिखा रहा हूं, तो ये मान लेते हैं ये वेलोसिटी V' है, and this velocity V' is less than E by B, ठीक है, तो अब कौन छोटा हो गया, QV' भी छोटा हो गया ना, हो गया नहीं हो गया, राइट. अगर QV' भी छोटा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स बड़ा है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स बड़ा है तो इसका मतलब नीचे में डिफ्लेक्ट कर जाएगा ना. समझ आ रही है आपको? यस सर. इस चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ हो गई, तो देखो वो स्क्रीन को स्ट्राइक नहीं कर पाया. अगर किसी चार्ज का वेलोसिटी को अगर मान लेते हैं हम लोग उससे यू नो ज्यादा दिखाते रेशियो से, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे वी डबल डैश मार्क कर लेते हैं, एंड इसकी वेलोसिटी को हम ग्रेटर देन ई बाई बी दिखा रहे हैं, इस बार कौन बड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बड़ा है,
राइट right? अगर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बढ़ा है तो इसके इसमें क्या होगा, ये ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट कर जाएगा. अंडरस्टैंडिंग है? यस सर. ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ वो वाली वेलोसिटी वाले चार्जेस मिल जाएंगे, नहीं जो मेरा रिक्वायरमेंट था. समझ आई? यस. ठीक है, सो इसी को बेसिकली वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं. तो वेलोसिटी सिलेक्टर में जनरली ई और बी को म्यूचुअली परपेंडिकुलर चूज करते हैं. ई वी बी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर चूज करते हैं. बट अगर इन जनरल अगर बोलो कि नेट फोर्स जीरो करने के लिए क्या ई वी और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर चाहिए, तो नहीं. समझ आ रही है? यस यस यस. ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं. देखो आपको ये चीज तो ऑलरेडी बता दिया कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी या थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी तो फिर तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा. तो अब दूसरा जो सबसे कॉमन केस है जो आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन. मतलब अगर आप चार्ज को परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्ट करते हो तो क्या होगा, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं. प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज with velocity perpendicular to magnetic field, इसको transverse projection भी कहते हैं. Transverse projection भी बोलेंगे इसको. Transverse projection. Sir. हाँ बोलिए. Sir, एक to scroll up करवे ना, एक तो question जिज्ञेस करवो. Sir, एकाने जे v is equals to e by b उट हमने ratio बार कर लम तो. স্যার এবারে এখানে যেটা আছে v ড্যাশ যখন লেস দ্যান e বাই b হচ্ছে তার মানে তো ফোর্স ডিউ টু ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা বেশি হচ্ছে না, ফোর্স ডিউ টু ম্যাগনেটিক ফিল্ড তো কম হয়ে যাচ্ছে. কেন কি ফোর্স কি লিখবি তুই, q ইনটু v ড্যাশ ইনটু b? ও আচ্ছা তো হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ 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 স্যার বুঝে পেরেছি. अच्छा, इससे एक और चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का अगर रेशियो का डायमेंशन पूछे तो आपको डायमेंशन निकालने के लिए मेहनत करने की जरूरत है या फिर डायरेक्टली लिखेंगे? सर वेलोसिटी तो ये हम. हाँ, ठीक है, ये डायमेंशन के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है. ये डायमेंशन पूछ लिया और जिसको नहीं पता है कि ई और बी का रेशियो बेसिकली वेलोसिटी का डायमेंशन देता है, वेलोसिटी देता है हमें, तो इसका मतलब वो अननेसेसरी का टाइम वेस्ट करेगा क्योंकि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकालेगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालेगा, फिर रेशियो लेगा, तो टाइम वेस्ट करेगा. तो डायमेंशन के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है. Okay, चलो अभी हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो आपका ट्रांसवर्स प्रोजेक्शन डिस्कस करते हैं. सो मान लेते हैं हमारे पास एक रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. और हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, मान लेते हैं चार्ज को हमने प्रोजेक्ट कर रखा है. इसकी वेलोसिटी वी, चार्ज प्लस क्यू, मास एम दे रखा है एंड मैग्नेटिक फील्ड तो आपको दिख रहा है स्क्रीन में अंदर की तरफ है. अब वी क्रॉस बी का डायरेक्शन चेक करो. वी क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है क्या? हां सर आ रहा है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. तो फोर्स अगर ऊपर की तरफ आए तो चार्ज ऊपर की तरफ चला जाएगा या ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा? ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा. डिफ्लेक्ट करेगा, तो हमें क्या करना है, इसको ऊपर की तरफ थोड़ा डिफ्लेक्ट करना है. तो इसका जो पाथ दिख रहा था उस पाथ पे टेंजेंट ड्रॉ करो एंड थोड़ा सा इसको डिफ्लेक्ट करता हूं, दिखाओ. ऐसा ऐसा ही कुछ होगा ना, राइट? यस सर. अब एक चार्ज का नया लोकेशन दिखाओ. सो मान लेते हैं यहाँ पे अब आ चुका है चार्ज. इसकी स्पीड चेंज की या नहीं की? नहीं की ना. तो स्पीड चेंज नहीं किया मतलब ये वी दिखाएंगे अभी, ठीक है? मैग्नीट्यूड अनचेंज है. अब अगर ये वेलोसिटी v है तो इस केस में अब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? फिर से v और b के परपेंडिकुलर. v क्रॉस b करो, अपने राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करो v से b की तरफ. देखो थंब सॉरी थंब देखो इधर आ रहा होगा. देखो चेक करो, आ रहा है? यस सर. आ रही है? यस सर. क्या हम ये कह सकते हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा? कैन वी से दैट? यस सर. क्योंकि वी और बी के बीच का एंगल भी फिक्स्ड है और वी और बी का मैग्नीट्यूड भी फिक्स्ड है, तो इसलिए फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है ना? अब ये बताओ मुझे कि
ऐसा कब आपने देखा है कि एक चार्ज पार्टिकल एक वेलोसिटी से गया और उस पे हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक फोर्स लग रहा है एंड फोर्स का मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है? कब होता है ये? सर्कुलर मोशन. इनफैक्ट ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही केस है ये नहीं है? तो इसीलिए ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही केस है. और ये जो फोर्स है, सिंस ये परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, इसका मतलब पक्का है कि ये फोर्स को अगर मैं एक्सटेंड करता और इधर से भी फोर्स का डायरेक्शन को अगर एक्सटेंड करता तो ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट करते? सर्कल के सेंटर पे, राइट? यस. समझ आ रही है आपको? यस सर. ठीक है, तो ये बेसिकली एक सर्कुलर पाथ को इंडिकेट कर रहा है. दिस इज इंडिकेटिंग अ सर्कुलर पाथ. ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता. दिस वुड हैव बीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर. This would have been the radius of curvature, इसको r मान सकते हैं. ये अगर theta से deflect कर गया यहाँ पे, if this has deflected through an angle theta, तो यहाँ पे velocity भी basically theta से ही deflect करता या नहीं करता? क्योंकि tangent जितने angle से घुमाओगे, radius vector भी तो उतने से ही घूमेगा ना? Yes. है ना? तो deflection आप velocity से भी निकाल सकते हैं और आप radius vector का turning से भी calculate कर सकते हो. Getting it? अब इस सर्कुलर पाथ में रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले निकाल लेते हैं. तो अगर पाथ सर्कुलर होगा, अब सर्कुलर पाथ क्यों कह रहे हैं उसका जस्टिफिकेशन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू velocity and magnitude of force is constant. Therefore, path will be circular and hence motion will be UCM, uniform circular motion. ठीक है? और ये ध्यान रखेंगे कि जो magnetic force है वही आपका centripetal acceleration provide करने के लिए responsible है. Magnetic force is required, is giving the required centripetal acceleration to move in circular path. So therefore, हमें F को लिख रहे हैं. देखो F की वैल्यू हमने निकाली थी QVB एंड यही वाली वैल्यू M into V square by R आनी चाहिए ना? Yes, velocity sir. तो एक हट जाएगा यहाँ से. एंड अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर देखोगे तो आ रही है MV by QB आ रही है. इसमें अगर आप एक चीज नोटिस करोगे कि रेडियस की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, मतलब आप जितना तेज फेंकोगे उसकी रेडियस क्या आएगी उतनी ही ज्यादा आएगी. होगी नहीं होगी? होगी नहीं? ठीक है, आप जितना तेज फेंकोगे उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर उतनी ही ज्यादा बढ़ी आएगी. अगर अगर ऐसे लिखें, अगर एमवी की बात करें, एमवी तो इसको हम क्यूबीआर लिख सकते हैं. क्या हम इसको लीनियर मोमेंटम ऑफ चार्ज कह सकते हैं? कह सकते हैं ना? यस सर. तो अगर ये लीनियर मोमेंटम ऑफ चार्ज है तो काइनेटिक एनर्जी अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म्स में पूछे तो क्या हम बता सकते हैं कितनी है? P square by 2m लगा लो तो कितनी आ जाएगी? QBR, इसका स्क्वायर कर लिया एंड डिवाइड बाय 2m लगा लिया. करेंगे तो यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखते हैं, क्योंकि इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्वॉल्व हो रहा है, वेलोसिटी वगैरह इन्वॉल्व नहीं हो रही है. तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखिएगा. हाँ, अब इसमें कैसे हो सकते हैं क्वेश्चन, जैसे चार्ज को फिक्स कर दो, मास फिक्स कर दो, मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर दो. और फिर अगर मैं बोलूं कि एक चार्ज पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स में रेडियस ऑफ कर्वेचर आर में घूम रहा है, एंड फिर दूसरी बार मैंने बोला कि मैंने एक वेलोसिटी चेंज किया सच की इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दो गुना हो गया, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना गुना होगा? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर दो गुना हुआ है तो इसका मतलब वेलोसिटी भी दो गुना हुआ होगा. वेलोसिटी दो गुना होगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? डबल हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा. नहीं? यस सर. ठीक है, तो इसीलिए रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल भी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको. आप डायरेक्टली अगर आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल भी लगाते तो भी सेम रिजल्ट आता है. समझ आ रही है? यस सर. तो ये हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लिया. अब इसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करते हैं. सो नाउ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन
अगर इसको टी लिखे हैं तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई r / v लिख सकते हैं इसको यस और अगर आप नोटिस करोगे तो r को हमने mv / qb लिखा था और अगर mv / qb है तो ये क्या रहा है 2 पाई m डिवाइडेड / qb ये आ रही है ना चेक करो दिख रही है आपको यस सर क्या ये वेलोसिटी पे या रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंडेंट है नहीं सर आप एक्सप्रेशन देखो लास्ट का एक्सप्रेशन देखो वो ना तो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है ना तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंडेंट है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड एज वेल एज रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब अगर ये चीज और लॉजिकल भी है देखो अगर जैसा मैं कह रहा था कि अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ाने से रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रोपोर्शनली बढ़ेगा अब रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर बढ़ा तो सर्कमफेरेंस का लेंथ भी तो बढ़ गया तो अगर आप स्लो मूव कराओगे ना उसको तो छोटे लेंथ में उसको मूव करना है और अगर ज्यादा तेज भगाओगे तो उसको बड़े लेंथ में मूव करना है तो कम स्पीड से छोटा लेंथ कवर करो और ज्यादा स्पीड से बड़ा लेंथ कवर करो दोनों केस में टाइम तो सेम आ सकता है ना समझ आ रही है आपको ठीक है तो इसीलिए यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो आपकी कॉन्स्टेंट आ रही है मतलब स्पीड और रेडियस पे डिपेंडेंट नहीं है तो डिपेंडेंट है किस पे मास पे चार्ज पे और मैग्नेटिक फील्ड पे अगर ये तीन चीजों को अगर आप चेंज नहीं कर रहे हो तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन चेंज नहीं करेगी ठीक है देखो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है ये तो समझ में आ रहा है आपको और अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है तो जितने भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं वो सारे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना कर सकते हैं सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स इसको यूज जैसे अगर थीटा से टर्न कर गया तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया 2v sin थीटा / 2 राइट रिवर्ट एंड ऐड करके याद है आपको ठीक है फिर अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो v sin थीटा / 2 डिवाइड बाय थीटा / 2 अगर एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो v स्क्वायर / r sin थीटा / 2 डिवाइड बाय थीटा / 2 याद है ये सारे हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किए हैं Yes. अगर आप भूल गए हो तो एक बार आप नोट्स रिवाइज कर लेना मैं जस्ट यहाँ पे एक बार रिजल्ट्स को लिख देता हूँ ताकि आपको बस कम से कम ध्यान रहे मैं डिराइव नहीं करूंगा यहाँ पे डेरिवेशन सब पहले हो चुके हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे डिराइव नहीं करूंगा सिंस इट्स अ केस ऑफ यूसीएम ऑल स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ यूसीएम विल बी applicable here. Such as when the particle deflects through an angle theta, then pehla change in velocity का magnitude is 2v sin theta / 2. दूसरा average velocity का magnitude that is v sin theta / 2 divided by theta / 2. तीसरा average acceleration का magnitude is v square / r into sin theta / 2 divided by theta / 2 and v square / r अगर आप निकालोगे तो v square / r क्या है देखो यहाँ पे v square / r डायरेक्टली आप qvb / m लिख सकते हो यानी फर्स्ट लाइन देखो ये वाला लाइन देखो v square / r का वैल्यू क्या है qvb / m है या नहीं है उसको भी लिख सकते हो वहाँ पे तो इसको लिख सकते हैं आप यहाँ पे qvb divided by m and into sin of theta / 2 and divided by theta / 2 हो जाएगा ये सारा जो आपको कराया ये बेसिकली थीटा पे डिफ्लेक्ट करने के बाद कुछ चीजें जो कॉमनली पूछते हैं उसके बारे में कराया है ठीक है ध्यान रखिएगा इन सब चीजों पे ओके अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस भी है अब ये सोचो कि अगर मैं ये थीटा एंगल डिफ्लेक्ट करने के बाद में पूछूं कि कितना टाइम उसने लगाया है इसमें फर्स्ट पोजिशन से दूसरे पोजिशन पे मूव करने के लिए जैसे अगर मान लेते हैं कि ये इसको लिखा देते हैं यहाँ पे लेट्स से दिस इज टी इक्वल टू जीरो का सिचुएशन एंड दिस इज टी इक्वल टू डेल्टा टी का सिचुएशन तो डेल्टा टी कितना आएगा कैसे निकालेंगे आप एंगल डिवाइड बाय ओमेगा कर सकते हैं नहीं यस सर और इसका एंगुलर वेलोसिटी तो आपको पता है ये कितना आएगा
एंगुलर वेलोसिटी इज वी बाय आर एंड ये आएगा क्यू बी बाय एम, आएगा ना, आएगा नहीं आएगा? यस सर। तो ओमेगा अगर आपको पता है तो टाइम पीरियड, ये टाइम निकलने का तो तुरंत ही मिल जाएगा आपको। तो ये डेल्टा टी अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ तो ये डेल्टा टी कितना होगा, थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा कर लेंगे। ये अगर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे, देखो एक अच्छी चीज भी आपको दिखेगी, थीटा डिवाइड बाय ओमेगा करें तो थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा की वैल्यू आपको क्यू बी बाय एम सब्स्टिट्यूट कर लेनी है, क्यू बी बाय एम सब्स्टिट्यूट कर लिया। या फिर इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे, थीटा डिवाइडेड बाय टू पाई इनटू टाइम पीरियड टी, ये भी लिख सकते थे ना। Yes, लिख सकते थे। देखो इसमें यूनिटरी मेथड लगा हुआ है, अगर आप देखोगे तो यूनिटरी मेथड लगाया है, क्या है कि 2 पाई एंगल घूमने में टाइम टी लगता है, कैपिटल टी, तो थीटा एंगल घूमने में कितना टाइम लगेगा, दिख रहा है आपको? ठीक है, मतलब जैसे 60 डिग्री सपोजली आता है, ये थीटा सपोजली 60 डिग्री आता है, तो आंसर क्या होता है, कैपिटल टी बाई 6 होता ही नहीं होता, 60 डिग्री इज 1/6 ऑफ कंप्लीट सर्कल, है ना? Yes, समझ आ रही है? तो वो जितनी भी चीजें आपने जो पहले कर रखा है उन सब चीजों पे फिर से हम इतना ज्यादा डिस्कशंस नहीं करेंगे, हम ये ध्यान रखेंगे कि जो चीज पहले कर रखा है उसको यूज कर सकते हैं हमेशा ही। अब इस कंसेप्ट, इस ये जो हमने अभी कर रखा, मतलब जो मैंने आपको कराया उस पर बेस करके जो एप्लीकेशन ज्यादातर आते हैं वो एक रिस्ट्रिक्टेड रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन आता है। रिस्ट्रिक्टेड रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब क्या है कि जैसे इसमें अगर देखोगे तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, वो लेफ्ट से लेके राइट तक हर जगह एग्जिस्ट करता है, बट ऐसा हो सकता है कि वो क्या करें, एक पतला सा स्ट्रिप है वो दे दें और सिर्फ उतने में ही मैग्नेटिक फील्ड दे दें। जैसे सोचो कि अगर सपोजिटली मैं कह रहा हूँ, जैसे इमेजिन करो कि अगर ऐसा सिनेरियो होता कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहां से लेके यहां तक के रीजन में मैं मैग्नेटिक फील्ड देता, तो क्या ये पूरा का पूरा सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर पाता? नो सर। समझ आ रही है? तो इसको कह रहे हैं कि ये रिस्ट्रिक्टेड रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, कि उसने रीजन में ही मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है बट उसके बाहर नहीं एग्जिस्ट करता है। तो उस तरह की सिचुएशन में जनरली आपसे डिफ्लेक्शन पूछते हैं या फिर पूछते हैं कि बताओ कितना टाइम उसने स्पेंड किया, ये सारी चीजें पूछते हैं। तो वो कैसे कैलकुलेट करना करते हैं वो आप सिखाता हूँ आपको। ट्रांसवर्स प्रोजेक्शन इन अ रेस्ट्रिक्टेड रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ऐसा एक सिनेरियो है, मान लो ये एक रीजन दे देता है और इस रीजन में मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ दे रखा है, और इस रीजन में व्हाट वी डिड इज वी प्रोजेक्टेड अ चार्ज, इसको फिलहाल के लिए प्लस क्यू मान लेते हैं, मास एम एंड वेलोसिटी इस तरफ दे रखा है। देखो तो ट्रांसवर्स प्रोजेक्शन है या नहीं है, है या नहीं है? यस सर। यस सर। ये मैग्नेटिक फील्ड मान लेते बी है एंड उसने ये सेपरेशन हमें दे रखा है, दिस सेपरेशन इज डी एंड डी के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि डी इज लेस देन एम वी बाई क्यू बी। एम वी बाई क्यू बी क्या था याद है आपको? रेडियस ऑफ कर्वेचर था, याद है? देखो ट्रांसवर्स, देखो जब भी ट्रांसवर्स प्रोजेक्शन होगा तो पाथ तो सर्कुलर होगा, ये पक्का है। उस सर्कुलर पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर एम वी बाई क्यू बी होगा, ये भी पक्का है, बट हाँ ये सर्कल पूरा कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा ये डिस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा। तो सर्कल पूरा कंप्लीट करेगा नहीं ये आपको पता नहीं है, तो पहले आपको वो फाइंड करना पड़ेगा कि सर्कल कंप्लीट होगा या नहीं होगा। अब वो निकालना सिखाते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है इस तरह के क्वेश्चंस में पॉइंट ऑफ एंट्री। पॉइंट ऑफ एंट्री पे सबसे पहले आप v क्रॉस b के अकॉर्डिंग आप एक डायरेक्शन डिसाइड कर लो कि फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है। आप बताओ मुझे v क्रॉस b का डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है? ऊपर की तरफ। यस। तो फोर्स ऊपर की तरफ आ गई है। अब इतना तो कह सकते हैं ना, अगर फोर्स ऊपर की तरफ है तो पक्का है सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहीं ऊपर ही होता। यस सर। कह सकते थे। यस सर। अब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं ऊपर है तो ऊपर की तरफ कहीं पे एक ऐसा एक छोटा सा डॉट मार्क कर लो। ठीक है, एक छोटा सा डॉट मार्क कर लिया। एक मिनट को मैं आपको थोड़ा सा वीडियो ऑन करके दिखाता हूँ तो आप बेटर समझोगे।
आपको ये मेरे मेरे टैब का स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? यस सर. आई एम नॉट एबल टू सी क्योंकि मैंने लीड को पूरा नीचे कर दिया ना, मुझे पता नहीं चल रहा है. मतलब मेरे मेरी टैब दिख रही है आपको? टैब दिख रही है? यस सर. ओके ठीक है. सो देखो हमने क्या किया है, देखो एक ब्लैक कलर का डॉट मार्क किया है, ठीक है. वो बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए किया है. यहाँ पे सी लिख लेते हैं, ठीक है. अब इसको मैंने सेंटर मान लिया है. इसको सेंटर मानते हुए देखो, अब इसका पाथ तो सर्कुलर होना ये तो पक्का है ना? होना नहीं होना है पाथ सर्कुलर? सर्कुलर पाथ. आप सर्कुलर पाथ बनाते कैसे हो? हाउ डू यू ड्रॉ सर्कुलर पाथ? आप क्या करते हो, एक कॉम्पस लेते हो एंड कॉम्पस का एक लेग को फिक्स करके फिर दूसरे लेग पे पेंसिल लगा के घुमाते हो ना? ऐसे नहीं करते. तो ऐसे कुछ काम आपको यहाँ पे भी करना है, अपने फिंगर से करना है. बट यहाँ पे कॉम्पस नहीं उठाना, फिंगर से करना है. जहां पे आपने सेंटर सी मार्क कर रखा है वहां पे सेंटर सी लिखो. सेंटर सी पे अपने लेग को फिक्स करो और दूसरे लेग को वेलोसिटी के डायरेक्शन में उधर पे एक सर्कुलर पाथ में मूव करा दो. ऐसे समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं? देखो मैं मेरी फिंगर की मूवमेंट से समझ पा रहे हो? ठीक है, ऐसे मूव करा देंगे. तो इसको जब आप मूव कराओगे वैसे तो इस केस में इसका पाथ कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा ना, देखो क्या कुछ ऐसा बनेगा? यस सर. तो यहाँ पे देखो ये एक एग्जिट पॉइंट भी आ गई है. दिस इज द एग्जिट पॉइंट नाउ. और ये एग्जिट पॉइंट पे भी जो उसकी स्पीड होगी ये पक्का है, उसकी स्पीड आपकी वी होगी. और इस केस में अब ठीक है, अब इसको इसकी जरूरत नहीं है. तो अभी देखो आप पॉइंट ऑफ एग्जिट जो है, पॉइंट ऑफ एग्जिट उस पे अगर मैं फोर्स का डायरेक्शन देखता तो फिर से वैसे ही वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वैसे दिखाते ना, दिखाते हैं. अब ये फोर्स का डायरेक्शन और पिछले फोर्स का डायरेक्शन दोनों सेम सेंटर को पॉइंट करना चाहिए ना, क्योंकि सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है वो तो फिक्स है ना. तो इस लाइन को देखो एक्सटेंड करोगे देखो वो सेंटर पे मीट करेगा. समझ आ रही है आपको? यस सर. तो यहां पे भी फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, यहां पे भी फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. तो बेसिकली आपको क्या करना है ना, आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखो. पहला है पॉइंट ऑफ एंट्री पे आपने वेलोसिटी के परपेंडिकुलर की लाइन मार्क किया, उस लाइन से आपको एक टेंटेटिव सेंटर का लोकेशन मिल गया. उस सेंटर को एक लेग, उस सेंटर पे एक लेग को फिक्स करके फिंगर को घुमा दो सर्कुलर पाथ में. उसके बाद फिर एक एग्जिट पॉइंट भी मिल जाएगा. एग्जिट पॉइंट पे फिर से वेलोसिटी से परपेंडिकुलर एक और लाइन खींच दो और ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा एग्जैक्टली वहीं पे आपका क्या होगा, सेंटर होगा. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? यस सर. यस सर. इसके बाद का पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा ना? यस सर. इसके बाद के पाथ तो स्ट्रेट लाइन ही होगा, पक्का है, क्योंकि इसके बाद तो कोई फोर्स नहीं लग रही है. ठीक है, सो ये आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. दिस विल बी स्ट्रेट लाइन. एंड ये पाथ अगर देखोगे तो ये वाला आपका सर्कुलर होगा. ठीक है, अब इसमें जनरली आपसे ये पूछते हैं कि बताओ डिफ्लेक्शन कितनी है इसकी. तो डिफ्लेक्शन कितनी है कैसे निकालेंगे? आप ये सोचो कि अगर मैं ये वाले एंगल को अगर थीटा दिखाता हूं, लेट्स से दिस इज एंगल थीटा जिसको हम डिफ्लेक्शन कह रहे हैं, तो ये डिफ्लेक्शन को बेसिकली आपको ज्योमेट्री करके यूज करके बेसिकली डी से रिलेट करना है. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आर है, सोचो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आर है, तो मैं अगर यहां से एक लाइन खींचू ऐसा देखो, तो रेडियस और थीटा के टर्म्स में क्या ये लेंथ को मार्क किया जा सकता है? ये कितना है, आर साइन थीटा? आर साइन थीटा. क्या ये आर साइन थीटा ही डी है? हाँ, यस सर. दिख रही है आपको? आप क्या लिखते हैं यहाँ पे? आर साइन थीटा इज इक्वल टू डी. सो देयरफॉर साइन थीटा की वैल्यू बिकम्स डी बाई आर. अब देखो डी को उसने एम वी बाई क्यू बी से कम क्यों दिया था? क्योंकि अगर डी एम वी बाई क्यू बी से कम नहीं होता तो उस केस में साइन थीटा वन से बड़ा आ जाता. दिख रहा है आपको? Yes. और अगर sin थीटा 1 से बड़ा रहता तो क्या पॉसिबल है? sin थीटा 1 से बड़ा पॉसिबल है क्या? नो सर. समझ आ रही है? तो उसमें गलती क्या जाती? गलती ये होती कि अगर सोचो ये d जो सेपरेशन है, ये d जो सेपरेशन है सोचो, अगर ये रेडियस से बड़ा है तो क्या ये उसमें बाहर निकल पाता मैग्नेटिक फील्ड से, राइट साइड से? नहीं निकल पाता, क्योंकि वो तो अपना सेमी सर्कुलर पाथ पूरा कंप्लीट करके दूसरे एंड से निकल जाता. समझ आ रही क्या कह रहा हूं मैं? यस सर. अगर इमेजिन करो कि अगर ऐसा सिनारियो होता, कुछ लोगों को नहीं समझ आ रही होगी, मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. जैसे मान लो ये सिनारियो है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चंस को डेटा की तरह रट लेते हैं कि साइन थीटा इज डी बाई आर, उसके बाद फिर उल्टी पुल्टी काम करेंगे. ये d है मान लो, इस बार d इज ग्रेटर देन mv बाय qb.
ठीक है। अब फिर से क्या किया हमने, ये चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रखा मान लो वेलोसिटी वी के साथ। तो अगर मैंने इसको वेलोसिटी वी से प्रोजेक्ट किया है तो फिर से मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ कि अगर इसके परपेंडिकुलर सोचते तो फोर्स इधर आता, ये फोर्स का डायरेक्शन होता, मतलब सेंटर इधर ही कहीं होता। बट इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मैं सोचता कितना होता, जैसे अगर मैं यहाँ पे कहीं रेडियस मान रहा हूँ, लेट्स से यहाँ पे कहीं सेंटर है, ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आर होती, और ये आर तो तुम किधर से भी निकालो, मतलब नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ से राइट की तरफ से ही आता ना, इसके पाथ में आता ही नहीं आता। yes, तो अगर मैं इसके सर्कुलर पाथ अगर ड्रॉ करता तो पूरा अगर सर्कुलर होता, पूरा सर्कल अगर कंप्लीट भी करता ये, तो पूरा सर्कल कंप्लीट करने पे फार्देस्ट कितना जाता पॉइंट सी से, आर ही तो जाता ना। आर से ज्यादा डिस्टेंस तो दूर नहीं जा सकता है। तो देखो ये उसका मैक्सिमम सेपरेशन है, देखो ये भी आ रहा है, ये देखो ये भी उसका आ रहा है, और इस बार ये सेमीसर्कुलर पाथ कंप्लीट करके बाहर निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, खुद ही सोचे देखो। निकल रहा है, ठीक है। तो इस केस में आप अगर वो फॉर्मूला लगाते साइन थीटा इक्वल टू डी बाई आर तो बेकार हो जाता वहां पे। साइन थीटा डी बाई आर तभी लगेगा जब डी की वैल्यू क्या है, एम वी बाई क्यू वी से कम है। तो कभी भी अगर आप ऐसे करते हो और बेवकूफी कर रहे हो और साइन थीटा या कॉस थीटा इसकी वैल्यू अगर वन से ज्यादा जा रही है तो समझ जाना कि वो उसमें जो आप जो दूसरे साइड से इसको बाहर निकाल रहे हो वो दूसरे साइड से बाहर नहीं निकल रहा है। उस केस में वो टर्न बैक करके ऑपोजिट, मतलब जिस साइड से एंट्री किया था उसी साइड से बाहर निकल रहे। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है। इसी में अगर मान लो डिफ्लेक्शन में कितना टाइम उसने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पेंड किया है वो पूछा होता तो हम निकाल सकते थे, क्योंकि थीटा मिल ही चुका है। थीटा मिल गया ना आपको? यस। एंड वंस यू हैव गॉट थीटा उसके बाद का तो आपको पार्ट पता है कैसे करना है। ठीक है। ठीक है। अगर ऐसे भी पूछ सकते, जैसे बोला कि इस क्वेश्चन में मान लो अभी जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है इसमें पूछा आपसे कि बताओ कि इस पार्टिकल का चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना है, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, रिवर्ट एंड ऐड करो, 2v रिवर्ट एंड ऐड किया, फाइनल लेफ्ट की तरफ है, इनिशियल राइट की तरफ है, तो इनिशियल को रिवर्ट करके फाइनल में ऐड करो कितना आएगा, 2v तो आएगा, राइट। और या फिर वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे 2v sin थीटा बाय 2, थीटा यहां पे कितना जाता 180 होता ना। हां राइट, सो 2v sin 180 बाय 2, अगर गधे हो तो वही यूज करोगे 2v sin 180 बाय 2 एंड फिर उसके अकॉर्डिंगली 1 ही आ जाता, 2v आ जाता। समझ आई है? यस सर। सर साउंड थोड़ा लो आ रहा है, जरा जोर से बोलेंगे? आवाज कम आ रही है क्या मेरी? ना सर, मैं इससे ज्यादा बोल नहीं सकता बेटा, मैं काफी लो तेज बोल रहा हूँ ऑलरेडी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट इसी पे आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉमन टाइप के जो वो मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, एक आप खुद से अटेम्प्ट करके देखना। अच्छा पहले आप, मैं एक करता हूँ फिर आप करना दूसरा। ये मैग्नेटिक फील्ड देखो राइट साइड में मैंने दिखा रखा, देख रहा डॉटेड लाइन के राइट साइड में दिख रहा है आपको? Yes, मतलब राइट साइड में इंफिनिटी तक एक्सटेंड करता है, लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल को लेफ्ट साइड से एंट्री करवा रहे हैं। मान लो हमने इसको इधर से प्रोजेक्ट कर रखा है, एंड दिस वेलोसिटी इज वी, दिस एंगल इज थीटा। क्या ये ट्रांसवर्स प्रोजेक्शन है या नहीं, चेक करके बताओ मुझे एक बार, ट्रांसवर्स प्रोजेक्शन है या नहीं है? यस सर। यस सर। ट्रांसवर्स प्रोजेक्शन में बस आपको ये चेक करना है कि वी और बी के बीच में एंगल 90 है या नहीं। V और B के बीच में एंगल 90 दिख रही है सबको या नहीं दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जो है मैंने इस प्लेन में ही दे रखा है, स्क्रीन के प्लेन में ही है, और मैग्नेटिक फील्ड तो स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर है क्योंकि इनसाइड दिखा रखा है, क्रॉस बना रखा है, ठीक है। तो दिस इज स्टिल ट्रांसवर्स प्रोजेक्शन वाला केस। तो अब इसमें फिर से सेम चीज यही फाइंड करना है कि आपका डिफ्लेक्शन कितना आएगा। तो रिफ्लेक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, फिर से मैंने जो स्टेप बाय स्टेप आपको बोला, सबसे पहला चीज क्या था, पॉइंट ऑफ एंट्री पे v क्रॉस b के अकॉर्डिंग आप वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके एक सेंटर का डायरेक्शन निकाल लो। तो देखो v क्रॉस b करो, देखो डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है, किस तरफ आ रहा है क्या, देखो तो चेक करो किस तरफ आ रही है डायरेक्शन। आ रही है? यस सर। इसका मतलब पक्का है ना, सेंटर यही इसी लाइन पे कहीं है, राइट?
होगा? यस सर। अब यहां पे आप कहीं पे सेंटर मान के, यहां पे सेंटर मान के इसका सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने का जो लॉजिक है वो बिल्कुल आपको सिखा रखा है। एक पॉइंट, अपने फिंगर के एक पॉइंट को आप सेंटर पे फिक्स करो और दूसरे पॉइंट को आप क्या करो, वेलोसिटी के डायरेक्शन में बेसिकली घुमाते चले जाओ। तो यहां से ऐसे घुमाएं अगर इसके सर्कुलर पाथ को, देखो तो ऐसे कुछ दिखेगा क्या? Yes, sir. और ये देखो दूसरे पॉइंट है जहां से वो बाहर निकल जाएगा, तो ये पॉइंट ऑफ एग्जिट है। पॉइंट ऑफ एग्जिट पे भी वेलोसिटी ड्रॉ कर लिया, दिस इज वेलोसिटी। एंड इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, तो ये फोर्स का डायरेक्शन आना चाहिए और इससे ये परपेंडिकुलर होगा। अब इस फोर्स को अगर एक्सटेंड करोगे तो ये वापस से सेंटर की तरफ चला जाएगा। गॉट इट? आप जब डायग्राम ड्रॉ करोगे आपके इतने अच्छे बनेंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों को सर्कल वर्कल बनाना नहीं आता ना, इसलिए आपका सर्कल कुछ और दिखता है, आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन कुछ और दिखता है। आप लोग देखना, आपने जब डायग्राम ड्रॉ करोगे ऐसे नहीं करना, जैसे एक लाइन ये ड्रॉ किया वेलोसिटी का और फोर्स आपका ऐसा आ रहा है, ये फोर्स बना दिया, ये वेलोसिटी बना दिया और यहाँ पे ऐसे करके एक स्क्वायर बॉक्स बना दिया, तो क्या ये परपेंडिकुलर हो गए? नो सर। एंगल 90 की तरह दिखना चाहिए ना, 90 डिग्री का एंगल 90 डिग्री की तरह दिखना चाहिए, तो फिर आपके डायग्राम अच्छे बनेंगे। अगर नहीं बनाओगे तो अच्छे नहीं बनेंगे, ठीक है? अब ज्योमेट्री यूज करके बस आप ये फाइंड कर लो कि उसका डिफ्लेक्शन कितना है, व्हाट इज इट इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज। बट डिफ्लेक्शन मतलब ये वाली एंगल, इसको डेल्टा कह लेते हैं, थीटा नहीं कह रहे इस बार, क्योंकि थीटा तो क्वेश्चन का डेटा है। तो देखो, तो अगर इधर थीटा ये दिया हुआ है तो क्या हम ये कह सकते हैं ये आपकी 90 माइनस थीटा होगी, कह सकते हैं क्या? हां सर। Yes, इसको भी 90 माइनस थीटा कहा जा सकता है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इधर से रेडियस ऑफ कर्वेचर, इधर से भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है? यस ठीक है। तो देखो, तो आपको डेल्टा मिल गया क्या? डेल्टा कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, एन इसका दो गुना, मतलब कितना आ रहा है, 2 थीटा ही तो आ रहा है ना? यस सर। यस समझ आई सभी को? यस सर। ये डिफ्लेक्शन को आप ऐसे भी निकाल सकते थे, देखो अगर ये वेलोसिटी की लाइन को अगर एक्सटेंड करते, ये देखो ये वेलोसिटी की लाइन को एक्सटेंड किया और ये वाली वेलोसिटी की लाइन को एक्सटेंड किया, देखो ये वाली एंगल थीटा थी और ये एंगल भी थीटा थी, तो 2 थीटा का डिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको? Yes. Can you see 2 थीटा का डिफ्लेक्शन? Yes, sir. ठीक है, वहां से भी आपको दिख गया था, मतलब जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। Okay. ये मैंने किया, एक आप करेंगे, ठीक है? मैं आपको 3 मिनट का टाइम भी दूंगा और फिर आप ग्रुप में करके भेजेंगे, जिसका होगा वो ग्रुप में करके भेजेंगे। ये वेलोसिटी v, ये एंगल थीटा। Now this charge is a negative charge, minus q and m दे रखा है, ठीक है? आपको डिफ्लेक्शन बताने कितनी आएगी, देखो डायग्राम के साथ करके दिखाओ।
क्या बनी हो रहा ठीक है चलो अभी मैं कर रहा हूँ, देखो जिनका नहीं हुआ है एक बार चेक कर लो। V क्रॉस B का डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ, मतलब लेफ्ट ऊपर की तरफ आ रहा है, लेफ्ट अप है ना, आ रहे हैं ना, यह है V क्रॉस B का डायरेक्शन। बट हमें V क्रॉस B का डायरेक्शन चाहिए या QV क्रॉस B का डायरेक्शन चाहिए? QV क्रॉस B का डायरेक्शन चाहिए। तो अगर QV का B क्रॉस B का डायरेक्शन चाहिए तो इस केस में डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो उल्टा हो जाएगा, तो इसलिए फोर्स का डायरेक्शन आपका इधर आना है, उल्टा तरफ, या फिर फोर्स की डायरेक्शन होगी। इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो आपका इधर ही कहीं लाई करता है, यहाँ पे कहीं सेंटर होगा। अब अगर यहाँ पे सेंटर है तो इसका पाथ घुमाओ अभी, मतलब सेंटर पे फिक्स करो अपने फिंगर को एंड वेलोसिटी के डायरेक्शन में उसको सर्कुलर पाथ में घुमाओ। तो इसका पाथ कुछ ऐसा दिखना है, देखो तो कुछ ऐसे ही होगा ना, देखो चेक करो एक बार, समझ लग गए? यस सर। ठीक है, आपको अगर कॉम्पस घुमाना आता है तो फिर आप आराम से इसको बना पाएंगे, कॉम्पस घुमाना नहीं आता है तो फिर तो डेफिनेटली नहीं बना पाएंगे। महिमा एक बार फिर से भेजिए, आपके हिस्से का डाट आपको मिलना है, भेजिए उसको फिर से, भेजिए फिर से भेजिए उसको, आपकी गलती वाली भेजिए। भेजिए, इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? आपका जो सेंटर है वो वेलोसिटी वाले लाइन पे है? नहीं सर, सेंटर वो। नहीं नहीं नहीं, आपने क्या ड्रॉ किया? अच्छा, वो डेविएशन मार्क किया आपने, डेविएशन वो कहां से होगा? डेविएशन आपने जो मार्क किया है वो डेविएशन तो नहीं है? हाँ सर, गलत है। डेविएशन तो आपने जो एंगल लिखा है वो डेविएशन तो नहीं होगा? फाइनल और इनिशियल के बीच का एंगल आपको मेजर करना होता है। आप यहां देखो, चेक करो एक बार डायग्राम ठीक ड्रॉ किया, क्योंकि सर्कुलर पाथ तो आपने ठीक ही ड्रॉ किया, सर्कुलर पाथ तो आपने ठीक ठाक ही ड्रॉ किया, मुझे लग रहा था वो भी गलत किया आपने। यह है वेलोसिटी, फाइनली फाइनल वेलोसिटी यही है, तो उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें आप, ये इधर देखो, तो एंगल जो घुमा है वो मैग्नेटिक फील्ड में, वो ये एंगल घुमा है ना, चेक करो, ये है ना? यस सर। राइट, आपने क्या किया, आपने इनिशियल एंड फाइनल को ड्रॉ किया है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ क्या गलती है, ये आपने इनिशियल वाली लाइन ली है वेलोसिटी की, एंड आपने ये फाइनल वाली लाइन ली है, एंड आप ये वाली एंगल को मार्क कर रहे हो, ये एंगल डेविएशन है क्या?
नहीं सर नहीं है ना तो फाइनल डेविएशन कौन सी है अगर आप इस डायग्राम में देखते देखो ये है फाइनल वेलोसिटी ये है फाइनल वेलोसिटी और ये है इनिशियल वेलोसिटी तो एंगल डेविएशन एंगल कौन सा होता है यहां से लेके यहां तक ये पूरा एंगल आपको मार्क करना पड़ता है समझ आ रही है आपको यस सर ये पूरी एंगल मार्क करनी पड़ती है आपको ये पूरी एंगल मार्क करते तब आपका आंसर सही होता डिड यू गेट इट मैं इसको नहीं कर रहा हूँ सर्कल से ही कर लेता हाँ सो ये डेविएशन कितनी आ रही है डायग्राम देखें ये थीटा तो इधर से ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा तो ये एंगल भी हो गया 90 माइनस थीटा तो ये हो गया 2 थीटा तो ये डेविएशन हो गई 2 पाई माइनस 2 थीटा ठीक है ना ठीक है ना यस सर यस सर ठीक है एक और ट्राई करते हैं मान लो मैंने यहाँ पे एक चार्ज को प्रोजेक्ट किया velocity v, this is a positive charge plus q and mass same दिया हुआ है and this distance is d and d is less than mv by qb अब बताओ कितना deflection आएगा इस charge का if you notice ऊपर की तरफ भी restricted है ना yes sir ठीक है करो देखो क्या आ रहा है एक नंबर ये गधी लड़की है डिस्टेंस डी देखा है कितना है हाँ सेंटर वहीं पे मार्क कर दिया एज पे ओ सर माना भूल को ले ची क्या करते हो ठीक है अंकिता अंकिता ठीक है प्रज्ञा आपने तो सिर्फ डायग्राम ड्रॉ किया कैलकुलेशन का है थीटा फाइंड आउट ही नहीं किया थीटा मैं फाइंड करूं क्या आपके डायग्राम से नहीं सर आप मुझे हेल्प कर रहे हैं क्या वी क्रॉस बी का डायरेक्शन हम देखेंगे तो ऊपर की तरफ आ रहा है मतलब सेंटर ऊपर की तरफ होना चाहिए एंड पॉइंट ऑफ एंट्री से सेंटर का डिस्टेंस तो आर होगा एंड आर इज एम वी बाई क्यू बी तो पक्का है एज जो दिखा रखा है उसने वो एज से तो थोड़ा ऊपर ही होगा होगा ना ऊपर होगा या नहीं क्योंकि डी जो डिस्टेंस है वो तो लेस देन रेडियस है तो अब वहां सेंटर मान के आपको एक सर्कुलर पाथ को दिखाना है यहाँ पे तो अब सर्कुलर पाथ अगर जाएगा तो कुछ ऐसा जाएगा यहाँ पे कहीं एग्जिट करेगा वो सो ये हो गई उसकी एग्जिट पॉइंट और इस वेलोसिटी से वापस एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो सेंटर का एग्जैक्ट लोकेशन आपको मिल जाएगा
तो जहां पे भी आ रहा है वहां पे ही सेंटर मार्क कर लेना, इसको सेंटर यहां नहीं लिखते, थोड़ा ऊपर लिखेंगे। सो दिस इज योर सेंटर कर्वेचर, समझ आई है? यस सर। ठीक है, नाउ यू आर सपोज टू फाइंड आउट दिस एंगल डेल्टा, ये डेल्टा ही निकालनी है आपको। तो आपको ये तो पता है दिस इज आर, सो ये वाली लेंथ हो गई आर कॉस डेल्टा। अगर ये आर कॉस डेल्टा है तो डी तो आराम से मिल जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई है आर माइनस आर कॉस डेल्टा, तो डेल्टा की वैल्यू हो गई कॉस इनवर्स आर माइनस डी एंड डिवाइडेड बाय आर, हो गया आंसर। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। अ चार्ज पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक चार्ज प्लस अल्फा इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन विथ अ स्पीड वी नॉट आई कैप इन अ यूनिफॉर्म एंड ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय बी वेक्टर इक्वल टू पाई माइनस के कैप। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ चार्ज After a time of 1 by alpha, coordinates निकालनी है after time of 1 by alpha. देखो कितनी आ रही है,
क्या नहीं अभी तक, क्या डायग्राम नहीं बनाया तो फिर दिक्कत हो गई. वेलोसिटी इज अलोंग आई कैप, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग माइनस के कैप. इसको देख के आपको पता चल रहा है ट्रांसवर्स प्रोजेक्शन है, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है दोनों के बीच में. और ट्रांसवर्स प्रोजेक्शन देख के आपको ये पता चल रही है कि पाथ सर्कुलर होगी, पाथ सर्कुलर होनी है. That's it. अब कुछ बचता नहीं है. एक बार अगर आप ये रियलाइज करते हो तो इतना ज्यादा मुश्किल काम होगा नहीं. ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, नेगेटिव जेड अंदर की तरफ हो जाएगा. तो ये बी है. चार्ज पार्टिकल को हमने ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया है, पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि स्पेसिफिक चार्ज प्लस दे रखा है. सो दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड इसको प्रोजेक्ट किया है वेलोसिटी वी नॉट से राइट की तरफ. अगर वी नॉट से राइट की तरफ प्रोजेक्ट किया तो इस केस में इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो किधर लगेगी, जे एक्सिस की तरफ. yes, है ना, मतलब वाई एक्सिस की तरफ. तो ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया. तो पाथ तो सर्कुलर होगा और सेंटर कहीं इधर ही होगा. तो इसके सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर लेते हैं. ऐसे कुछ आएगा, ऐसे कुछ होगा ना पाथ. यस सर. समझ आ रही है सभी को? ठीक है. यस सर. तो इसमें इसकी जो सेंटर होगी, यहाँ पे कहीं सेंटर होगी. और ये सेंटर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो तो हमें पता ही है. दिस आर विल बी एम वी नॉट डिवाइडेड बाई क्यू बी. इसकी टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन भी हमें पता है. टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज 2 पाई एम बाई क्यू बी. क्यू बाई एम स्पेसिफिक चार्ज है तो इसको ले सकते हैं 2 पाई पाई अल्फा. एंड बी की वैल्यू आपको पाई दे रखी है तो पाई पाई कैंसिल आउट हो गई. तो ये आ रही है 2 बाई अल्फा आ रही है. आ रही है राइट? यस सर. तो अब उसने क्या पूछा हमसे, उसने हमसे ये पूछा है कि 1 बाई अल्फा टाइम के बाद उसका कितना कोऑर्डिनेट्स होगा. टाइम पीरियड अगर 2 बाई अल्फा है तो इन अ टाइम ऑफ 1 बाई अल्फा कितना डिफ्लेक्शन आएगा, 180 डिग्री? Yes, आएगा ही नहीं आएगा? यस सर. तो देयरफॉर 1 बाई अल्फा अगर हम बोले तो दिस इज बेसिकली कैपिटल टी बाई 2 एंड देयरफॉर डिफ्लेक्शन ऑफ 180 डिग्री होना चाहिए. 180 डिग्री डिफ्लेक्शन, 180 डिग्री का अगर डिफ्लेक्शन होना है तो ओरिजिन से स्टार्ट किया तो कहां पहुंच जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट पे. y-axis वाले पॉइंट पे. समझ आ रही है आपको? यस सर. तो ये हो गई t इक्वल टू 0 पे हमने ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया और ये हो गई t इक्वल टू 1 बाय अल्फा. हो गया. तो अब तो आपको दिख ही रहा है कोऑर्डिनेट्स कितना है. कोऑर्डिनेट्स कितना है, 0, 2r दिख रहा है आपको? यस सर. दिख रही है सभी को? यस सर. यस सर. 0, 2r, 0 ये हो जाएगा, which is 0, twice of mv by qb and 0. और q by m को अल्फा सब्स्टिट्यूट कर लो. So 0, mv by qb लिखा है ना, m into क्या लिख दिया मैंने, m into v naught. तो ये हो जाएगा twice of v naught divided by alpha pi and 0. ये आंसर हो जाएगा. Got it? Clear है सभी को? Yes, sir. कैसे क्वेश्चन को एनालाइज करना होता है वो देखो. पहले ट्रांसवर्स प्रोजेक्शन चेक किया, ट्रांसवर्स प्रोजेक्शन के बाद चेक किया कि पाथ सर्कुलर होगा. उसके बाद एक डायग्राम ड्रॉ किया सूटेबली, क्योंकि उसके बाद फिर सर्कुलर पाथ है तब तो आराम से निकाल सकते हैं, बट सेंटर तो पहले पता कर ले कहाँ पे. तो सेंटर पता किया, सर्कल को कम्प्लीट किया. उसके बाद ये चेक किया कि कितना टाइम उसने दे रखा है, वो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन के टर्म्स में कितना है, क्योंकि उससे ये पता चल जाएगा कितना डिफ्लेक्शन हुआ है. और डिफ्लेक्शन के बाद तो कोऑर्डिनेट्स आराम से मिल जाएगा. तो क्या बोलिए, तो m का टर्म कहां गया, t से कहां से? तो t इक्वल्स टू 2 पाई m बाय qb था ना. आप ये बोल रहे हैं m कहां गया, आप ये नहीं पूछ रहे अल्फा कहां से आया. आप ये नहीं पूछ रहे अल्फा कहां से आया. तो अल्फा तो चार्ज है. क्यों अल्फा चार्ज है, पढ़िए तो अच्छे से. ओ स्पेसिफिक चार्ज. हां ठीक है सर. q बाय m. नशा हो रहा है सुबह सुबह. हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट रेस्ट
at a place accelerates with A naught towards the west. Now, if a uniform magnetic field is switched on. Now, if a uniform magnetic field is switched on and simultaneously charge is projected with V naught towards north, the acceleration becomes 3 A naught towards west. If B vector is known to be perpendicular to V naught vector, then find magnitude and direction of magnetic field given charge plus Q, mass M, ye diya hua hai, and neglect gravity, ye bhi diya hua hai. बताइए क्या आएगा. सर डायरेक्शन विल बी माइनस के आईजे के कहीं दिया हुआ है क्या डायग्राम में, मैंने क्वेश्चन में कहीं आईजे के है क्या सर? तुमको तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप डाउन ऐसे बोलना पड़ेगा. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप डाउन ऐसे ही बोलना पड़ेगा तुम्हें. सर देन नॉर्थ साउथ बोलिए सर. मैग्नीट्यूड आया है 2 ए नॉट एम बाई क्यू वी नॉट. और सर डायरेक्शन नहीं पता. डायरेक्शन नहीं पता, बिना डायरेक्शन का आपने वो फाइंड कर लिया. ओके चेक करें एक बार. सबसे पहले चीज उसने दे रखा है चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे प्लेस है. रेस्ट पे चार्ज को तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं मूव करा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही मूव करा सकता है ना. यस सर. So, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो एक्सेलरेशन आएगी ये ए नॉट, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन पता चल जाएगा. तो ऐसा कर लेता हूं. सर डाउन आछे. ठीक है, देखेगा ये नॉट. जब मैं एक बार डिस्कशन स्टार्ट कर लू तो फिर चुप कर जाऊंगी. ओके सर. ये वेस्ट है और हमने चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे छोड़ रखा है, यहाँ वेलोसिटी जीरो है और उसने कह रखा है कि एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स वेस्ट, दिस इज ए नॉट.
तो पक्का है इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इधर लगा होगा, सो दिस विल बी क्यू ई. तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का भी अगर वैल्यू पूछते तो हम बता देते क्यू ई का वैल्यू ही एम ए है. सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बिकम्स एम ए नॉट डिवाइडेड बाई क्यू, एंड ये किस तरफ है, टुवर्ड्स वेस्ट. टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट बोलेंगे, लेफ्ट राइट तो सब सब्जेक्टिव होता है, बट टुवर्ड्स वेस्ट बोलेंगे. अगर ऑब्जर्वर देखो इधर से खड़ा हो, अगर इधर से खड़ा होकर देखे इधर से, तो उसके लिए लेफ्ट राइट का डेफिनेशन उल्टा हो जाएगा, वो लेफ्ट अब ईस्ट बोलेगा, है ना, बोलेगा नहीं बोलेगा. Yes, ठीक है, लेफ्ट राइट सब सब्जेक्टिव होता है. तुम मेरे सामने खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे सामने खड़े रहो, तो मेरे लिए जो लेफ्ट होगा तुम्हारे लिए राइट होगा या नहीं होगा. Yes, sir. बट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बोले तो ये सबके लिए एक ही होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा. Yes, sir. ठीक है, तो कभी भी लेफ्ट राइट राइट ऊपर मतलब ऐसे नहीं बोलते, लेफ्ट राइट नहीं बोलते, आई जे के ऐसे नहीं बोलते. आपको आई जे के कहीं तो डिफाइन ही नहीं किया क्वेश्चन में, तो आई जे के टर्म्स में आंसर कैसे बता रहे हैं आप. आई जे के क्या कोई यूनिवर्सल रूल है क्या कि इधर ही एक्स एक्सिस लेना पड़ता है, मतलब राइट की तरफ एक्स एक्सिस ही लेना पड़ता है, ऐसा कोई रूल है क्या. नो सर. तो फिर एनीवेज चलो अभी आगे बढ़ते हैं. सो इस बार उसने क्या कर रखा है, वेलोसिटी को किधर प्रोजेक्ट किया है, टुवर्ड्स नॉर्थ प्रोजेक्ट किया है. वी नॉट इज टुवर्ड्स नॉर्थ, तो हम इसको नॉर्थ की तरफ प्रोजेक्ट कर देते हैं. ये वेलोसिटी को नॉर्थ की तरफ प्रोजेक्ट किया है. देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई चेंजेस नहीं किया था, तो यहाँ पे जो इस बार एक्सेलरेशन आ रही है वो 3a0 आ रही है. तो 3a0 आने का मतलब इसमें से a0 वाला जो एक्सेलरेशन है वो तो पक्का है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आई है ना. यस सर. QE तो इधर लगी ही लगी है, बट साथ साथ में पक्का है एक मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स भी इसमें आया होगा, राइट. यस सर. ठीक है, तो हम क्या ये लिख सकते हैं कि QE प्लस F मैग्नेटिक दैट विल बी इक्वल टू M इनटू 3a0 लिख सकते हैं ना. सो देखो यहाँ से F मैग्नेटिक की जो वैल्यू मिल गई है दैट इज 2M इनटू a0 आ गई है, दिख रही है. ठीक है. यस सर. यस. अब जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन का पॉसिबिलिटी है वो नॉर्थ साउथ वाला जो लाइन दिख रहा है वो वर्टिकल प्लेन है ना. नॉर्थ साउथ वाली तो एक लाइन है, बट उससे आप एक परपेंडिकुलर एक यू नो उसी को कंटेन करता हुआ एक प्लेन ड्रॉ कर लो. मतलब ऐसा सोचो कि ईस्ट वेस्ट वाला जो लाइन है, ईस्ट वेस्ट वाला लाइन एक प्लेन से परपेंडिकुलर तो है ना. ईस्ट वेस्ट वाला लाइन एक प्लेन से परपेंडिकुलर है. Yes, sir. और वो प्लेन आपका क्या है, नॉर्थ साउथ को कंटेन करता है, तो वो वर्टिकल प्लेन ही हुआ है ना. इस वर्टिकल प्लेन में आपको मैग्नेटिक फील्ड किसी एक तरफ लेना है सच कि आपका मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो है वो लेफ्ट की तरफ आए, मतलब वेस्ट की तरफ आए. तो अब आप क्या करोगे, आपको ये पता है कि V से B म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो V से B अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो एक ही दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, है ना, राइट. ऊपर नीचे मतलब ये ऊपर नीचे जब हम कह रहे हैं तो स्क्रीन के आउट एंड स्क्रीन के इन बोल रहे हैं, समझ आ रही है ना आपको. ऊपर नीचे यहाँ नॉर्थ साउथ को इंडिकेट नहीं कर रहा है, ऊपर नीचे मतलब स्क्रीन के अप या स्क्रीन के डाउन. ठीक है, अगर आप स्क्रीन के अप लेते तो फोर्स देखो लेफ्ट की मतलब ईस्ट की तरफ आ जाता, क्योंकि वी क्रॉस बी करो, वी से आउटवर्ड दी स्क्रीन अपने फिंगर्स को कर्ल करो, देखो आपका ईस्ट का डायरेक्शन आ जा रहा है. आ रहा है क्या. यस सर. बट वो तो नहीं हो सकता. इससे आपको ये पता चला, इससे आपको ये पता चल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड आपको लेनी है वो क्या लेनी है, अंदर की तरफ लेनी है, समझ आ रही है, अंदर की तरफ. और अंदर की तरफ मतलब डाउन दी अर्थ होगा, है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स अर्थ, है ना. यस सर. समझ आ रही है. तो अब जैसे ये निकल गया तो आप इसको क्या लिखोगे, दिस विल बी क्यू इनटू वी नॉट इनटू बी, एंड देयरफॉर बी की वैल्यू हमसे पूछी थी तो दैट बिकम्स 2m इनटू a नॉट डिवाइडेड बाय क्यू वी नॉट, एंड दैट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स अर्थ, वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स अर्थ. समझ आई सभी को. यस सर. यस सर. क्या कोई कुछ पूछ रहे हैं. यस सर. कोई कुछ पूछ रहे हैं क्या. तो एक बार क्वेश्चन स्क्रॉल डाउन करेंगे. क्वेश्चन को स्क्रॉल अप करूं. यस सर. आगे बढ़े. Yes, चलो भी आगे बढ़ते हैं. इंक्लाइंड प्रोजेक्शन
of a charge in a uniform मैग्नेटिक फील्ड. इस बार ट्रांसवर्स नहीं लेंगे, इस बार इंक्लाइन प्रोजेक्शन लेंगे. मान लेते एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड इधर हमारी जेड एक्सिस है. और हमने क्या कर रखा, यहाँ पे एक चार्ज लिया, इस चार्ज पे मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज एंड मास एम दे रखा है. और हमने क्या कर रखा है, इधर राइट की तरफ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है. एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है पूरे रीजन में, रिस्ट्रिक्टेड नहीं कहीं पे भी. राइट की तरफ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है. हमने क्या किया, चार्ज को एक वेलोसिटी भी दे के छोड़ा है और ये वेलोसिटी आपका एक्स वाई प्लेन में ही है. इनिशियल वेलोसिटी जो है वो एक्स वाई प्लेन में ही है और ये वेलोसिटी को हम लोग इनिशियली यू वेक्टर या यू दिखाते हैं. चलो ठीक है, की बात है, यू ही लिख लेते हैं. एंड यू जो है ये एंगल थीटा पे है विद द एक्स एक्सिस. ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू वेक्टर की बात करें तो दिस इज यू कॉस थीटा आई कैप एंड प्लस यू साइन थीटा जे कैप. ठीक है, लिख सकते हैं ना ऐसा? यस सर, यस सर. u cos theta वाले कंपोनेंट को अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा. दिस इज u cos theta एंड u sin theta को इधर दिखा सकते हैं. दिस इज u sin theta. u cos theta वाले कंपोनेंट को, ये कंपोनेंट को मैं ऐसे लिख रहा हूं, दिस इज वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट. v पैरेलल मतलब वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है. एंड यू साइन थीटा को मैं मेंशन कर रहा हूं, दिस इज वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है. कह सकते हैं सर? यस सर. हमने इंक्लाइन प्रोजेक्शन अभी तक नहीं किया था, बट हमने ये तो किया था ना कि अगर वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो तो क्या होगा. किया था, अगर वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो तो क्या होगा. 4-0 आएगा. 4-0 आने का. और 4-0 आने का मतलब क्या है, पाथ अनडेविएटेड चलता रहेगा. मतलब यू साइन थीटा के बारे में अगर हम सोचे तो यू साइन थीटा की वजह से हमें क्या दिखता, सर्कुलरपाथ दिखता. राइट, अगर आप सोचो एज एन ऑब्जर्वर, अगर मैं आपको बोलूं एज एन ऑब्जर्वर, आप इसको ना नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ से खड़े होके देखो. ठीक है, इसको साइड व्यू कहते हैं, दिस इज साइड व्यू. तो इस साइड व्यू अगर आप देखते तो क्या आपको यू कॉस थीटा दिखता? नहीं सर. साइड व्यू देखने से तो आपको यू साइन थीटा वाला कंपोनेंट दिखता ना, यू साइन थीटा यू कॉस थीटा तो नहीं दिखता क्योंकि वो अंदर की तरफ हो जाता. समझ आ रही है आपको? यस सर. तो अगर मैं उस व्यू को एक बार ड्रॉ करूं, मैं एक बार साइड व्यू ना ड्रॉ कर रहा हूं, आप देखो एक बार. ठीक है, मैं एक बार साइड व्यू ड्रॉ कर रहा हूं. साइड व्यू में मेरे मुझे वाई एक्सिस ऊपर की तरफ दिख रही है, वाई एक्सिस ऊपर है एंड जेड एक्सिस मेरे राइट की तरफ है. जेड एक्सिस राइट की तरफ, देख लो एक बार, चेक करो सही कह रहा हूं या नहीं. साइड व्यू में वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है और जेड एक्सिस राइट की तरफ है, सही बोल रहा हूँ? यस सर. साइड व्यू में जो प्रोजेक्शन है वो मुझे ऊपर की तरफ दिख रही है, दिख रही है वी परपेंडिकुलर के साथ दिख रही है. Yes, sir. और इस साइड व्यू में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ दिखेगा. साइड व्यू से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलेंगे आप, अंदर की तरफ अंदर. बोलेंगे नहीं बोलेंगे साइड व्यू में? Yes, अंदर की तरफ. यस सर. तो साइड व्यू में मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन बोलेंगे. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को देखो मैं यहाँ पे अंदर की तरफ दिखा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड. ठीक है, अब आप वी क्रॉस बी का डायरेक्शन चेक करो किधर आएगा. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी? लेफ्ट की तरफ दिख रहा है इस डायग्राम में, लेफ्ट की तरफ. यस सर. ठीक है, मतलब नेगेटिव जेड की तरफ. तो अगर नेगेटिव जेड की तरफ अगर फोर्स आ रहा है, चेक करो
ये फोर्स नेगेटिव जेड की तरफ आई है तो सेंटर भी तो कहीं यहाँ पे होगा राइट अब ये सेंटर को मानते हुए हम सर्कल नहीं ड्रॉ कर सकते यस सर तो सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं Are you getting it? Yes, sir. ठीक है तो अब ये इस चक्कर में इस सर्कल में बेसिकली चक्कर काट रहा होगा यही तो आपको पता चल गया इस सर्कल का जो रेडियस होगा ये भी आपको आराम से मिल जाएगा रेडियस तो आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपको पता ही है अगर इस सर्कुलर पाथ की मैं रेडियस आर की बात करूं तो दिस आर विल बी एम वी बाई क्यू बी बस वी की जगह आपको क्या डालना है वी परपेंडिकुलर डालना है एम इंटू वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्यू बी समझ आ रही है ठीक है अब ये देखो ये दोनों चीजें एक साथ हो रही थी मतलब अगर मैं बोलूं कि दोनों चीजें एक साथ कौन सी हो रही थी एक है कि u cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है उसकी वजह से वो आगे बढ़ रहा है अनडेविएटेड और u sin थीटा की वजह से सर्कुलर मोशन कर रहा है कौन से प्लेन में देखो yz प्लेन में दिख रहा है आपको अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो कैसा दिखेगा सर्कल में चक्कर भी काटना है और आगे भी बढ़ना है तो सर्कल में चक्कर काटते हुए आगे अगर बढ़ता है तो क्या एक स्प्रिंग के जैसा स्ट्रक्चर नहीं बढ़ जाएगा स्प्रिंग का जैसा स्ट्रक्चर होता है स्प्रिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है सर्कल्स भी होते हैं बट सर्कल्स में जो एडजेसेंट पॉइंट्स होते हैं वो थोड़े थोड़े आगे बढ़ते चले जाते हैं है ना समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूं मैं यस सर तो इस केस में आप इसका पाथ कैसा दिखाओगे ये एक हेलिकल पाथ बन जाएगा सॉरी क्या बोलते हैं हेलिकल ठीक है हेलिकल पाथ बन जाएगी देखो आपको समझ आ रही है यस सर दिस इज हेलिकल पाथ ठीक है हेलिकल पाथ क्यों हुआ समझ आया आपको वाई जेड प्लेन में गोल गोल चक्कर काटना है और एक्स एक्सिस के अलावा उसको आगे भी बढ़ना है तो ये दोनों चीजों को जब आपने सुपर इम्पोज किया तो हेलिकल पाथ बन गया यहाँ से जो दो सक्सेसिव मतलब एक टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन में जितना ये आगे बढ़ जाता है इस डिस्टेंस को उसका पिच कहते हैं दिस इज पिच पिच ऑफ हेलिकल पाथ इसको कैपिटल पी से इंडिकेट कर देते हैं तो ये पिच होगा ये पिच आराम से निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे आपको पता है एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड भी आपको पता है फिक्स है 2 पाई एम बाय क्यू वी तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको पिच मिल जाएगा हो गई नहीं होगा यस सर अच्छा इस हेलिकल पाथ का एक्सिस कौन सा है इस हेलिकल पाथ का एक्सिस कौन सा है एक्स एक्सिस अब इसका एक्सिस कौन सा है सेंटर क्या इसके ओरिजिन पे है क्या आप बताओ मुझे क्या इसका सेंटर ओरिजिन पे है तो फिर अगर सेंटर ओरिजिन पे होता तभी तो आप बोलते हैं ना कि एक्सिस जो है यू नो एक्स एक्सिस ही उसका एक्सिस है ठीक है यहाँ पे जो एक्सिस है थोड़ी सी शिफ्टेड है तो इसीलिए जब आप हेलिकल पाथ बोलोगे तो उसका एक्सिस एक्स एक्सिस नहीं बोलना है एक्सिस ऑफ द हेलिक्स इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस शिफ्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस बाय डिस्टेंस आर गॉट इट यस सो ये ध्यान रखेंगे आप एक्सिस ऑफ दिस हेलिक्स axis of helix is a line parallel to x-axis shifted towards negative z-axis by a distance r ठीक है सबको समझ आ गई है yes, parallel to x axis parallel आगे की line ठीक है अरे गोबो डिक्टेट हो तो कोच्ची सुनते पाच्छिस ना नहीं
ओके अच्छा देखो एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही सिर्फ है, अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या उसकी स्पीड हम चेंज कर सकते हैं? कैन वी चेंज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल? नो सर, नहीं, हम इसकी स्पीड को कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? स्पीड कैन नॉट बी चेंज। तो अगर किसी भी इंस्टेंट पे, अगर मान लो कि मैं यहाँ पे उसको दिखा रहा हूँ, लेट्स से कि यहाँ पहुंच गया है और इसकी वेलोसिटी को मैंने अभी भी दिखा दी, तो पक्का है मैग्नीट्यूड वाइज ये भी ये यू से मैच करेगा, करेगा नहीं? मैग्नीट्यूड वाइज करेगा? Yes, sir. ये सम इंस्टेंट टी का है, ये टाइम टी का है, कोई भी एक टाइम टी का दिखा रखा है। मान लेते हैं इसमें कोऑर्डिनेट्स भी आपसे पूछ लिया कि इसकी कोऑर्डिनेट्स बताओ, टाइम टी के बाद इसकी कोऑर्डिनेट्स कितनी होगी। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप दो पार्ट इसको स्प्लिट करो, एक है जो वन डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोशन हो रहा है वन डायमेंशन में, और जो वाई जेड प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है उसमें। ये दोनों पार्ट को अलग अलग स्प्लिट करके ही हमेशा सोचना, ठीक है? तो अगर इसको स्प्लिट करें तो जैसे यहाँ पे सोच के देखो, अगर मैं टी सेकेंड्स के बाद दिखाऊं, ये मान लेते हैं ये टी इक्वल टू जीरो का है एंड ये टाइम टी इक्वल टू टी का है। टी टाइम के बाद उसकी जस्ट डिफ्लेक्शन हुई है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुई है, ये डिफ्लेक्ट करके यहाँ से यहाँ। तो ये एंगल अगर हम दिखाएं, ये एंगल दिखाएं, तो ये थीटा की वैल्यू को क्या हम ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं टी सेकंड्स लेटर, राइट? जहां पे ओमेगा आपको पता है, यू नो व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज क्यूबी बाई एम, ठीक है? ये ओमेगा आपको पता है, तो इसलिए ओमेगा से आपने टी को मल्टीप्लाई किया, आपको एंगल घूमना मिल गया। वंस यू फाइंड आउट द एंगल, देखो अब आप ये ज्योमेट्री को यूज करके आप कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हो। ये चेक करो, ये डिस्टेंस हो गई आर साइन थीटा एंड ये डिस्टेंस हो गई आर माइनस आर कॉस थीटा। दिख रही है आपको? यस सर, दिख रही है। तो आप देखो आपको वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट दोनों मिल गया या नहीं मिल गया? Yes. मिल गया वाई और जेड कोऑर्डिनेट, मिल गई आपको वाई और जेड कोऑर्डिनेट? यस सर, यस सर, ठीक है। सो देयरफॉर अगर कोऑर्डिनेट्स आफ्टर टाइम टी बात करें, कोऑर्डिनेट्स आफ्टर टाइम टी, ये अगर लिखनी है तो इसमें अगर हम एक्स वाई जेड लिख रहे हैं तो तीनों को अलग अलग लिखेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गई यू कॉस थीटा इंटू टी। ये समझ आया आपको? क्योंकि स्पीड कॉन्स्टेंट है, समझ आई है? यस सर, यस सर। वाई कोऑर्डिनेट कितनी दिख रही है? आर साइन थीटा। और जेड कोऑर्डिनेट कितनी दिख रही है? माइनस ऑफ आर इंटू वन माइनस ऑफ कॉस थीटा, दिख रही है? यस सर, इंडिकेटेड, ठीक है, क्लियर है ना? यस सर, यस सर। अब पिच भी निकाल सकते हैं, पिच ऑफ हेलिकल पाथ, पिच ऑफ हेलिक्स इज वेलोसिटी जो पैरेलल कंपोनेंट था इनटू टाइम पीरियड, पैरेलल कंपोनेंट था यू कॉस थीटा एंड इसके साथ टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू भी ले लेंगे। क्लियर है? यस, क्लियर है सभी को? यस यस सर, ठीक है। So, ये वाले मोशन एनालाइज कैसे करना है आपको समझ आ गई है? आपको जब भी अगर इंक्लाइन प्रोजेक्शन दे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो पार्ट को आप मोशन को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ब्रेक कर लेना, एक अलोंग द फील्ड एंड दूसरा परपेंडिकुलर टू फील्ड। अलोंग द फील्ड वाले कॉम्पोनेंट की वजह से वो अनडेविएटेड चलता रह जाएगा उसी स्पीड से, और जो परपेंडिकुलर टू फील्ड है, परपेंडिकुलर टू फील्ड, उसका साइड व्यू ड्रॉ कर लेना, और साइड व्यू में आपको दिख जाएगा वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ के अकॉर्डिंगली जो भी पूछे वो आप तुरंत से निकाल देंगे, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी इम्प्लॉय कर देते हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल ले लेते हैं, तो अब क्या फर्क पड़ेगा बताओ? एक्स का वेलोसिटी चेंज होगा, मतलब अब वो बढ़ता चला जाएगा या घटता चला जाएगा, डिपेंड करता है कि आपका चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आपकी वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी, और वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो पिच भी तो बढ़ेगा ना? हाँ, यस, है ना? पिच बढ़ किसकी वजह से रहा है, वेलोसिटी बढ़ने की वजह से या टाइम पीरियड बढ़ने की वजह से? वेलोसिटी, टाइम पीरियड याद है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता था, याद है 2 पाई एम बाय क्यू बी, राइट? तो सर्कुलर मोशन वाला जो पार्ट है, जो मतलब वाई जेड प्लेन में जो हम सर्कुलर मोशन दिखा रहे थे, वो वाला पार्ट अभी भी वही रहेगा, क्योंकि यू साइन थीटा को तो हमने चेंज नहीं किया ना? क्या हमने यू साइन थीटा को चेंज किया? नहीं, नहीं।
तो यू साइन थीटा की वजह से वो सर्कुलर मोशन करता रहेगा वाई जेड प्लेन में, और यू कॉस थीटा की वजह से आगे बढ़ता रहेगा, और आगे बढ़ने का रेट उसका बढ़ता जाएगा. क्यों? क्योंकि यू साइन यू कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो बढ़ बढ़ के बढ़ती चली जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. तो उस केस में कहेंगे पाथ अभी भी हेलिकल होगा, बट जो पिच होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा. और इस बार आपकी स्पीड चेंज करेगी. क्यों? क्योंकि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वर्क करेगा ना, करेगा नहीं करेगा? मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं कर सकता, मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं कर सकती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेफिनेटली वर्क कर सकता है ना. ठीक है, ठीक है, समझ आई सभी को? जिसमें यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा. ठीक है, इफ अ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो स्विच्ड ऑन पैरेलल टू magnetic field, then the path will still be helical, but the pitch will be non-uniform since the V parallel component, V parallel will change now, even though time period of evolution 2 pi m by qb remains unchanged. Speed will change due to electric field, speed will change due to electric field, and hence we can apply work energy theorem to get Q is the force multiplied by displacement along field, displacement along electric field. इसे multiply करना है, and that will be equal to change in kinetic energy. So इसमें तो electric field मैंने x-axis के along लिया है, तो आप लिखोगे QE into x, that will be half m into v square minus of u square. समझ आई है? Yes sir. समझ आई है सभी को? Yes sir. Yes sir. So let me see, आपको समझ आ रही है नहीं आ रही, एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं. मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ चार्ज प्लस क्यू कॉमा एम इज प्रोजेक्टेड विथ वी नॉट जे कैप फ्रॉम ओरिजिन in a uniform E vector equal to E I cap and B vector equal to B I cap. Find the following when speed doubles. Speed doubles. Pehla x coordinate, coordinate, and dusra time passed. Kitni time beet chuki hai? Dekho kitni aa rahi hai, karo. Oh.
जब वेलोसिटी जे के तरफ है और ई और बी आई की तरफ, तो फिर स्पीड डबल ही कैसे होगा? क्योंकि x एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो उसकी स्पीड को बढ़ाएगा नहीं x एक्सिस के अलोंग? सर वेलोसिटी तो j की तरफ है तो फिर कैसे बढ़ेगा? अरे नालायक लड़की, पिछली बार वो क्या हो रहा था, u sin थीटा को अफेक्ट कर रहे थे क्या हम? u cos थीटा को अफेक्ट कर रहे थे ना? हां सर, बट यहां पे तो v नॉट वाला जो कंपोनेंट है, जो v नॉट वाला कंपोनेंट है वो अनअफेक्टेड रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। अगर u cos theta को जीरो कर दें, u cos theta को जीरो कर दें, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो अलोंग x एक्सिस, ये पॉसिबिलिटी जीरो नहीं होता है ना? मतलब एक चार्ज पार्टिकल को अगर मैं बोलूं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जाना है तो उसको नॉन जीरो वेलोसिटी से ही स्टार्ट करवाना पड़ेगा मुझे, यही मतलब निकलता है ना? नहीं नहीं सर, आप तो यही कह रहे हैं, आपको ये नहीं पता है कि हाँ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अलग अलग चीजें होती है। एक्सेलरेशन को फोर्स से लेने देना है, वेलोसिटी तो जैसे कि इनर्शिया है। समझाने के बाद फिर कैसे उल्टी पुल्टी चीजें करते हैं या नहीं करते हैं पता नहीं। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब वाई जेड प्लेन में सर्कुलर मोशन होना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है, इसका मतलब एक्स एक्सिस की तरफ उसको आगे भी बढ़ना है। अब ये दोनों को एक साथ करना है तो इस केस में पाथ ऐसा दिखना है, यहाँ पे पिच नॉन यूनिफॉर्म होगी, बढ़ती चली जाएगी। अब ये तो कर ही नहीं सकते, ये क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या? एक्स एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी नहीं था तो एक्स एक्सिस के अलोंग कैसा किया? हाँ कर सकते हैं क्या सर? कर सकते हैं सर। एक्स एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी नहीं था, एक्स एक्सिस के अलोंग कैसे चला गया? सर एक्सेलरेशन तो था तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा। और ये क्यों नहीं कर पा रहे मुझे आपको पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे, इतनी चीजें बताने के बाद क्यों नहीं कर रहे। ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, अब ये वेलोसिटी मार्कर इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा v परपेंडिकुलर और एक होगा v पैरेलल। v परपेंडिकुलर आपको पता है चेंज नहीं करेगा, ये v नॉट ही रह जाएगा, वो मैग्नीट्यूड में v नॉट ही रह जाएगा, और v पैरेलल आपका चेंज करेगा। क्यों चेंज करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वहां पे। तो अगर ये v की बात करें तो इसने ऑलरेडी दे रखा है कि इसको डबल करना है, इसको 2v नॉट करना है, तो वेलोसिटी का डबल हो रही है, तो हम ये लिख सकते हैं कि 2v नॉट का स्क्वायर will be equal to v parallel ka square plus v perpendicular ka square, and v parallel to aapko already v not de v perpendicular to already v not de rakha hai, to v parallel ki value ho gayi root 3 v not, that's it। aur ek bar ye agar pata chal gaya to aapko pata hai ki x axis ke along jo acceleration hai wo to qe by m hai, q by m acceleration hai, y direction mein wo acceleration matlab x axis mein acceleration magnetic field ki wajah se nahi aa sakta hai, to ab ye directly hum likh sakte the this is qe by m and into t, that's it, v equal to u plus at laga liya, to time mil gaya aapko, time is root 3 m v naught divided by qe, that's it।
अब आपको उसने पूछा था x कोऑर्डिनेट कितना है, सो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है x, यही तो निकालना है आपको. वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, सो QE इनटू x, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो हाफ एम इनटू टू वी नॉट का स्क्वायर एंड माइनस ऑफ वी नॉट का स्क्वायर, सो दिस बिकम्स 3 mv नॉट का स्क्वायर बाय 2, एंड देयरफॉर x कोऑर्डिनेट बिकम्स 3 mv नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ QE. हो गया आंसर. आपको बताओ मुझे इसमें कौन सा पार्ट आपको नहीं समझाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब थ्योरी पढ़ाया था, तो कौन सा पार्ट आपको नहीं समझाया था इसमें से? और एक ही चीज को मैं 4-5 बार कम से कम बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ पे आप चीजें नहीं सुनते हैं, तो कम से कम 4-5 बार में से एक बार तो सुनेंगे, मुझे मेरा ही एक्सपेक्टेशन है. 4-5 बार बोल रहा हूँ तो कम से कम एक बार तो सुनोगे. मैंने बार बार बोला कि जब भी ऐसा सिचुएशन होगा तो फिर आपको क्या करना है, आपको पार्ट को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है. एक है जो वेलोसिटी के एक जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा और एक मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा. जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो चेंज नहीं करेंगे मैग्नीट्यूड में, उसकी वजह से सर्कुलर मोशन करता रहेगा. और जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है उसको हम अलग से एनालाइज करेंगे. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेट करवा रहे हैं यहाँ पे, दैट्स इट. हो गया सबको क्लियर? चार्ज नेगेटिव था ना, माइनस क्यू. चार्ज माइनस क्यों था? कहाँ दिखा दो? तुम कौन से दुनिया में थे? तुम यही थे कहीं और थे? चलो ठीक है, अभी आगे चलो, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आगे मूव करते हैं. साइक्लोट्रॉन्स. साइक्लोट्रॉन्स हम यूज करते हैं हैवी चार्ज पार्टिकल्स को हाई वैल्यूज ऑफ काइनेटिक एनर्जी पे एक्सेलरेट कराने के लिए. दीज आर यूज्ड टू एक्सेलरेट हैवी चार्ज पार्टिकल्स, हैवी चार्ज पार्टिकल्स टू हाई वैल्यूज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाई वैल्यूज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो इसका सेटअप कैसा होता है उसके बारे में बात करते हैं. जस्ट अ सेकंड. मुझे डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने फोटो जस्ट इंपोर्ट कर लिया. ये इसका सेटअप है. इस सेटअप में अगर आप देखोगे तो आपको 2 सेमी सर्कुलर डिस्क की तरह एक चीज दिख रहा होगा, व्हाइट कलर का जो बना हुआ है, दिख रहा है आपको? Yes, sir. वो एक्चुअली डिस्क नहीं है, वो एक्चुअली डिस्क नहीं है, वो कंटेनर्स की तरह है. डिस्क के शेप में कंटेनर्स जैसे सोचो, वो खाली है, बीच में खाली है, बीच में इवैक्यूएटेड रहता है, खाली होता है. तो उसमें बेसिकली एक खाली डब्बे की तरह सोचो, खाली डब्बे की तरह जो कि डी के शेप में है. इनको हम डीज कहते हैं, दीज आर नोन एज डीज, दीज आर कॉल्ड एज डीज. इसका नाम लिख देता हूं मैं, ये जो डी अल्फाबेट से रिजेंबल कर रहा है इसलिए इसका नाम डीज कहते हैं. दीज आर डीज है, ठीक है. इस डीज के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने इंप्लॉय कर रखा है, जो कि आपको दिख रहा होगा बाहर की तरफ हमने मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है. आपको दिख रहा है? दिख रही है ना आपको? Yes, sir. ठीक है. और आपको साथ में साइड में देखा होगा, दिख रहा होगा कि स्क्वायर वेव इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट चार्ज एट ईच क्रॉस गैप लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? वो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो 2 टर्मिनल्स आप यहाँ से निकाल लो, जो डीज है वो बेसिकली मेटल के डीज है, कंटेनर्स है मेटल के. तो इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, ऐसा एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हैं. ऑल्टरनेटिंग मतलब कि जो डायरेक्शन में चेंज करता रहे, ऐसा वोल्टेज सोर्स, डायरेक्शन में वेरिएबल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हैं. देखो यहाँ पे, ये देखो ऐसा. तो अगर आप देखोगे तो ये डायरेक्शन में जो वेरिएबल वोल्टेज सोर्स हमने कनेक्ट कर रखा है मैग्नीट्यूड में फिक्स है. देखो उसका वेवफॉर्म देखो, तुमको समझ में आ जाएगा.
एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस ऐसे हो रहा है, दिख रहा है आपको? प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे ऑल्टरनेट कर रहा है। तो अगर सोचो दो मेटल के बीच में आप एक ऑल्टरनेट पोलैरिटी का मतलब वोल्टेज लगा रहे हो, तो एक हाफ में अगर मान लेते हैं कि एक हाफ में आपका लेफ्ट वाला प्लेट पॉसिबली पॉजिटिव है और राइट वाला प्लेट नेगेटिव है, मतलब जो डीज हम कह रहे हैं, तो लेफ्ट वाला डी पॉजिटिव है और राइट वाला डी नेगेटिव है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा या नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? फिर दूसरे हाफ में क्या होगा? अगर दूसरे हाफ में नेगेटिव हाफ आ गया है, तो नेगेटिव आने का मतलब, हाफ आने का मतलब है पोलैरिटी अपने रिवर्स कर दिए, और पोलैरिटी अगर रिवर्स करोगे तो उस केस में आपका जो नेगेटिव मतलब जो आपने लेफ्ट की तरफ आप पहले पॉजिटिव दिखा रखा था, अब लेफ्ट की तरफ नेगेटिव हो जाएगा और राइट की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। यस सर, समझ आ रही है? यस सर। तो इस केस में बेसिकली आपका जो चार्ज है उसको एक ऑल्टरनेट करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ऑल्टरनेट करके डायरेक्शन में एक ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड उसको मिलेगी, ठीक है? डीज के जो गैप है उसके बीच में, ये जो गैप है बीच में उसमें मिलेगी, दो डी के बीच में गैप दिख रही है आपको? यस सर। तो ये जो स्क्वायर वेव इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जनरेट कर रखी है, ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे दे रखा है? बिटवीन द गैप बिटवीन द टू डीज, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रखी है, दिस इज इन द गैप बिटवीन द टू डीज, इन द गैप in between the two D's, ठीक है, but magnetic field inside the D's है, दिख रहा है आपको? दिख रही है? Yes sir. Magnetic field inside the D's है, this is inside the D's, but electric field is outside the D's and in between the gap between the two D's. इसको अगर top view में अगर दिखाएं, किसी का टॉप व्यू एक बार दिखाता हूं आपको तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। ये देखो, ये उसका टॉप व्यू देखो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या कर रखा है, एक मिनट, इससे मैग्नेटिक फील्ड हमने बाहर की तरफ दे रखा है, इसको ऐसे दिखाते हैं, हाँ जी बोला था ना वो बीच में डीज वाला पोर्शन पूरा खाली है, हाँ। तो वहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया हुआ है वहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड हमने सिर्फ और सिर्फ डीज के अंदर वाले रीजन में दे रखा है, ये तो मेरे ऊपर है ना, मैं कहाँ दे रहा हूँ कहाँ नहीं दे रहा हूँ, मैं चूज कर रहा हूँ या तुम चूज कर रहे हो? अरे तुम सवाल पूछते हो तो तुमको जो जवाब दे रहा हूँ तो तुम तो जवाब ही नहीं दे रहे हो वापस, ये तो टू वे इंटरेक्शन होगा ना, या तुम बोल के छोड़ दोगे उसके बाद फिर कुछ नहीं, तुमको रेसिप्रोकेट नहीं करना है। अजीब लड़की है, सवाल पूछ के गायब हो जाएगी, अब सर बकते रहो आप। डाउट कैसे तुम्हारे बताऊं मैं? सो ये देखो, ब्लैक डॉट से जो मैंने मार्क कर रखा वो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है, वो बाहर की तरफ है, और बीच में देखो दो डीज के बीच में देखो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को मार्क कर रखा है, दिख रहा है रेड कलर के एरो से, दिख रही है आपको? Yes. ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को कैसे एक्सेलरेट कराते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, जो सेंटर ऑफ जो रीजन है इसका, सेंटर ऑफ रीजन, वहां से एक चार्ज पार्टिकल को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एनर्जी के साथ, मान लो एकदम रेस्ट के साथ, वहां से रिलीज करते हैं, ठीक है, एकदम रेस्ट के साथ। तो जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे सोचो एक चार्ज को रिलीज किया है इस पॉइंट से, देखो यहाँ इस रेस्ट पे मान रहे हैं, यहाँ सेंटर है वहां पे रेस्ट पे मान रहे हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ना उसमें, है ही नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या करेगा, ये धक्का खा के ऊपर में एंटर कर जाएगा, ऊपर वाले डीज में एंटर कर जाएगा,
अब अगर वो ऊपर वाले डी में एंटर कर गया तो उसके पास एक छोटी सी वेलोसिटी तो आ चुकी होगी। अब अगर ये छोटी सी वेलोसिटी आ चुकी है, यहाँ पे एक वेलोसिटी वी1 दिखा देते हैं, तो ये वेलोसिटी अगर आ गई इसके पास तो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन चेक करो, एक मैग्नेटिक फील्ड में है तो वी क्रॉस बी के अकॉर्डिंग उसको एक सर्कुलोपाथ तो कंप्लीट करना है ना, सर्कुलोपाथ दिखाना है उसको, ट्रांसवर्स प्रोजेक्शन है, दिख रहा है आपको वी और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, देखो दिख रही है, तो वी क्रॉस बी के अकॉर्डिंग सेंटर किस तरफ आ रहा है, राइट की तरफ आ रहा है ना, देखो तो सेंटर राइट की तरफ आ रही है, दिख रही है, तो राइट की तरफ सेंटर मानते हैं, उसको घुमाया सर्कुलोपाथ में, घुमाया सर्कुलोपाथ में, घुमा ये इधर आ गया, ठीक है, बट जितना टाइम इसको लगा इधर से इधर आने में, मतलब यू नो ये सेमी सर्कुलोपाथ को कंप्लीट करने में, एग्जैक्टली उतने ही टाइम के बाद हमने क्या किया, पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, तो पहले प्लस था अब माइनस आ गया है, अब प्लस से अगर वो माइनस आ चुका है तो अब पोलैरिटी रिवर्स होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अब नीचे की तरफ हो गया, पहले देखो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ मिल रहा था, जब वो एंटर किया था तब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ मिल रहा था, अब वो जब एंटर कर रहा है दोनों डीज के बीच का स्पेस वाले में, तब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे मिल रहा है, दिख रहा है, तो फिर से उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी ना, गैप जो उनका जो गैप है वो बहुत कम है, डीज के बीच का जो गैप है ना वो बहुत कम है, तो अब जब ये यहाँ एंटर करेगा, देखो यहाँ पे स्पीड v1 था, बट यहाँ पे स्पीड v2 अगर दिखाए तो दिस v2 विल बिकम ग्रेटर देन v1 और नॉट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से थोड़ा सा धक्का खा के उसका स्पीड बढ़ चुका है, अगर स्पीड बढ़ेगा, अगर उसका स्पीड बढ़ेगा तो रेडियस कर्वेचर भी तो बढ़ेगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो, अब देखो वो एक थोड़े से बड़े से रेडियस में घूम रहा है, दिख रहा है आपको, देखो, बट टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या स्पीड या रेडियस पे डिपेंड करता है क्या, नहीं, तो फिर से उसको सेमी सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, वही हाफ ऑफ टाइम पीरियड, मतलब पाई एम बाई क्यूबी, तो पाई एम बाई क्यूबी टाइम के बाद वापस से वो यहाँ पहुंच गया और उसकी स्पीड v2 ही थी, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो उसकी स्पीड चेंज नहीं करेगी, बट जैसे यहाँ पे पहुंचा तो फिर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, याद है वो अल्टरनेटिंग हमने लिया था, याद है रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद चेंज कर रहे थे, तो वो रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम बेसिकली उसका कितना है, पाई एम बाई क्यूबी, हर पाई एम बाई क्यूबी टाइम के बाद उसको क्या करना है, अपना डायरेक्शन को रिवर्स कर लेना है, तो डायरेक्शन रिवर्स किया तो फिर से वापस उसने क्या किया, उसकी स्पीड को थोड़ी सी फिर से बढ़ा दी, और स्पीड बढ़ गई यहाँ पे v3 हो गई, तो स्पीड थोड़ी सी बढ़ी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फिर से बढ़ गया, तो देखो ऐसे करके वो हर बार थोड़ा 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 करके ही उसकी रेडियस बढ़ती उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, दिख रहा है आपको, जैसे जैसे उसकी स्पीड रेडियस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसका क्या होगा, स्पीड भी आपका इंक्रीज करता चला जाएगा, तो फाइनली अगर मैं बोलूं कि फाइनली जब वो बाहर निकल रहा है तो कितनी स्पीड से बाहर निकल रहा है, क्या आप ये बता सकते हैं, अगर डी का, अगर डीज का रेडियस आपको पता है, ये डीज का रेडियस मान लो आपको आर दे रखा है, तो यहाँ पे जब ये बाहर निकला, यहाँ पे चार्ज जब बाहर निकली है सोचो, तो इसके पास तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि सबसे बड़ा रेडियस है ना ये, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू क्यू बी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, लिख सकते हैं, ई स्क्वायर बाय 2m यूज़ किया मैंने, है ना, समझ आई आपको, ठीक है, सो दिस इज बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, कि जहां पे आप एक बार में अचानक से स्पीड नहीं बढ़ा रहे, देखो स्पीड बढ़ाने के रिस्पॉन्सिबल आपका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, स्पीड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ही बढ़ा रहा है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा थोड़ा करके ही बढ़ाता है, मतलब जैसे बोलते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही है, ये स्पीड आप थोड़ा ही बढ़ा रहे हैं, ये जो डीज का जो बीच का स्पेसिंग है ना, ये स्पेस नेग्लिजिबल है, ये जो स्पेसिंग है, दिस इज वेरी स्मॉल रीजन, दिस रीजन इज वेरी स्मॉल थिकनेस या वेरी स्मॉल गैप कंपेयर टू रेडियस ऑफ डीज, ये बहुत ही छोटी है, तो इसीलिए इसके अंदर जो टाइम वो स्पेंड करेगा उसको आप नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं, मतलब इसके अंदर जो टाइम स्पेंड कर रहा है वो नेग्लिजिबल स्मॉल है, इसीलिए जो स्पीड बढ़ेगा एक बार जाते वक्त जो स्पीड बढ़ेगा वो आप मान सकते हैं नेग्लिजिबल है, समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूं मैं, yes, समझ आ रही है क्या कह रहा हूं, yes. अब मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे सोचते हैं एक बार के, जैसे एक बार के, ये देखो ये स्क्वायर वेव फॉर्म के लिए मैं इसमें एक्सेस बना देता हूँ, एक बार ये उल्टा करना पड़ेगा मुझे, इसको अलग से कर देता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ,
ये वोल्टेज सोर्स, ठीक है, इधर टाइम ले रहे हैं, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका मान लो कि V नॉट प्लस के साथ है, सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल यहाँ पे हमने माइनस V नॉट लगा रखा है, ठीक है। ये वाली जो टाइम है इसको T by 2 कह रहे हैं और ये टाइम हम T कह रहे हैं। टाइम पीरियड ऑफ इसका जो टाइम पीरियड है वोल्टेज सोर्स का, वो टाइम पीरियड कितनी होगी? साइक्लोट्रॉन की टाइम पीरियड जब हम पूछेंगे तो टाइम पीरियड बेसिकली यही टाइम पीरियड बताएंगे। और ये टाइम पीरियड किससे मैच करना चाहिए? टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ चार्ज से मैच करना चाहिए ना, क्योंकि जब वो सेमी सर्कुलर पाथ कवर करता है तब इसका एक हाफ से दूसरे हाफ में जाता है ना? राइट yes, समझ आ रही है? yes, फिर दूसरा सेमी सर्कल करता है तो फिर ये दूसरा नेगेटिव हाफ को कवर करता है, तो जब दो सेमी सर्कल लेगा तो फिर इसका एक प्लस और एक माइनस वाला कवर अप हो जाएगा। तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अगर पूछे और टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन पूछे तो दोनों क्या है? सेम है। समझ आ रही है आपको? तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन is same as the time period of alternating voltage source. Therefore, T equal to 2 pi m by QB होनी चाहिए। Therefore, frequency of cyclotron पूछे, frequency of cyclotron, तो ये F लिखेंगे and that will be 1 by T and ये हो जाएगा आपका QB by 2 pi m आ जाएगा। ये frequency of cyclotron आ गई है, ठीक है? Okay. अगर बोले कि जैसे अगर मान लो कि आपको बोले कि ये चार्ज कितनी बार ये D's के बीच वाले स्पेस से क्रॉस किया है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कितनी बार मान लो कि इसने कितना कंप्लीट रेवोल्यूशंस किया है, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस डिड इट एनकाउंटर टिल इट एग्जिटेड आउट ऑफ द फील्ड, तो ये कैसे निकालेंगे आप? ऐसे सोच के देखो, ये जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स हमने ले रखा है उसका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड कितने का है? V नॉट का है ना? तो जब वो एक डी से दूसरे डी के अंदर एंटर करेगा तब उसका पोटेंशियल कितने से चेंज हो जाएगा? वी नॉट से। और चार्ज अगर उसका क्यू है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितने से बढ़ जाएगी? क्यू इंटू वी नॉट से। यस सर। तो एक डी से दूसरे डी में गया तो हाफ रेवोल्यूशन, फिर दूसरे डी से पहले डी में वापस आ गया तो एक फुल रेवोल्यूशन वो हो गया। यस सर। तो एक रेवोल्यूशन में उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बार बढ़ी? दो बार। एक रेवोल्यूशन में उसकी काइनेटिक एनर्जी दो बार बढ़ी, क्यू वी नॉट प्लस क्यू वी नॉट, तो टू क्यू वी नॉट। और अगर एन रेवोल्यूशंस उसने किए हैं तो एन टाइम्स ऑफ टू क्यू वी नॉट, क्या यही उसका के मैक्स होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। yes, समझ आई आपको? yes, sir. इन वन रेवोल्यूशन ऑफ चार्ज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 2qv0, कैपिटल वी नॉट है, ठीक है, ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के लिए। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, इसको अगर n लिखते हैं तो दैट विल बी k मैक्स डिवाइडेड बाय 2qv0 लिख लेंगे। k मैक्स आपको पता है दैट इज qbr का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m एंड इसके साथ 2q into v0 को डिवाइड कर देंगे। गॉट इट? Yes, अच्छा आप ये बताओ कि अगर आपसे किसी ने पूछा चार्ज एक्सेलरेट कहाँ किया है, डीज के अंदर या डीज के बाहर? डीज के बाहर। बाहर। पक्का? Yes, sir. डीज के अंदर में कोई फोर्स नहीं था? तो मैग्नेटिक फोर्स था ना, तो वो तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन नहीं है। अच्छा उस अच्छा फोर्स है पर वो एक्सेलरेशन नहीं देता है। हाँ फोर्स है पर वो एक्सेलरेशन नहीं देगा, मतलब अगर मैं कहता हूँ कि एक चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट करा रहे हैं तो उसे स्पीड चेंज करना है, डायरेक्शन चेंज करने को हम एक्सेलरेशन नहीं बोलते।
देगा सर। फिर सो चार्ज पार्टिकल कहाँ एक्सेलरेटेड है पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? दोनों जगह, डीज के अंदर भी, डीज के बाहर भी। डीज के अंदर उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है और डीज के बाहर उसकी स्पीड चेंज हो रही है। समझ आ रही है? यस सर। चार्ज इज एक्सेलरेटेड बोथ इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द डीज। चार्ज इज एक्सेलरेटेड बोथ इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द डीज। इनसाइड में डायरेक्शन चेंजेस एंड आउटसाइड में स्पीड चेंजेस। और रिस्पॉन्सिबल कौन है? डायरेक्शन किसकी वजह से? ड्यू टू बी वेक्टर। एंड स्पीड चेंज कर रही है ड्यू टू ई वेक्टर। ओके, अभी चीज चेक करो। जैसे ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन जब हम बोल रहे हैं, मतलब ये जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है? बट चार्ज की जो रेवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी है वो इस साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी से तभी मैच करेगी जब ये क्यूबी बाई टू पाई एम फिक्स रहेगा। बट आपको ये पता है ना कि मास जो है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, क्या आपको याद है? Yes, sir. Yes, sir. M equal to M naught by root under 1 minus V square by C square. Yes, sir. Right? Yes, sir. तो अगर मास वेलोसिटी डिपेंडेंट क्वांटिटी है तो जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती है मास भी हेवियर होता जाता है, याद है आपको? Yes, sir. अगर मास हेवियर होता जाएगा तो उसका जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है, मतलब एक एक सेमी सर्कल घूमने का जो टाइम है वो तो चेंज होता जा रहा है ना। Yes, sir. बट yes, ये चेंज प्रोमिनेंट इनिशियली नहीं होगा, इनिशियली ये सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि इनिशियली इसकी स्पीड कम होगी तो मास में भी चेंजेस कम दिखेगा। बट जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो स्पीड बढ़ने से उसका जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो बढ़ेगा, वो हायर वैल्यूज पे आपको प्रोमिनेंट मिलेगा। जैसे चार्ज की स्पीड अगर मान लो 10^7 मीटर पर सेकंड के आसपास हो गई है, 10^7, 10^8, क्योंकि 3×10^8 मीटर पर सेकंड अल्टीमेट स्पीड है, वहां तक अटेन करने की कोशिश कर सकते हैं आप। तो अगर 10^8 मीटर पर सेकंड भी है, सोचो 10^8 मीटर पर सेकंड के क्लोज चला गया, तो उस केस में जो जो मास होगा वो कंसिडरेबली हाई चेंजेस मिलेंगे आपको वहां पे। और अगर मास कंसिडरेबली हाई चेंजेस मिल रहे हैं तो टाइम पीरियड भी आपका चेंज हो गया। अब सोच के देखो, जो ये जो ये जो रेवोल्यूशन जो गोल गोल चक्कर काट रहा है उसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, बट आप जो इसको टॉगल कर रहे थे, टॉगल मतलब जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स का पोलैरिटी को चेंज कर रहे थे उसको तो आप फिक्स टाइम में चेंज कर रहे हैं, तो क्या सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा? होगा नहीं होगा? सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम होने का मतलब कि जब ये चार्ज पार्टिकल, सोचो जब ये चार्ज पार्टिकल एक डी से उठ के दूसरे डी में आता था, उससे जस्ट एक एग्जिट पॉइंट पे, मतलब एक डी से जस्ट वो जब बाहर निकल रहा है तभी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करना था, तभी तो वो फोर्स का डायरेक्शन को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रखता है ना। Yes, sir. तो अगर ये उसी वक्त चेंज नहीं होगा तो फिर तो ये प्रॉब्लम होगा ही नहीं होगा। Yes, sir. समझ आ रही है? तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम हेवी चार्ज पार्टिकल्स को ही एक्सेलरेट कराने के लिए यूज करते हैं। जैसे चेंजेस ऑफ मास अगर बोले तो चेंजेस ऑफ मास तो लाइट में भी होगा और हेवी में भी होगा, बट हेवी चार्ज पार्टिकल्स के लिए जो चेंजेस होंगे वो उसका फर्क जो है उसको कम पड़ेगा, और लाइट चार्ज पार्टिकल्स के लिए जो फर्क होगा वो ज्यादा पड़ेगा। जैसे अगर सोचो कि अगर मैं ये बोलूं कि जैसे एज अ पर्सन सोचो आप अगर 500 रुपए खो देते हो, 500 रुपए सपोजली आपने खो दिया है, तो आपको दुख होगा या नहीं होगा? 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 Yes, sir. Yes, sir. Supposedly मैंने भी 500 रुपए खो दिया है, मुझे भी दुख होगा, बट तुम्हें जितना दुख होगा और मुझे जितना दुख होगा, क्या हम दोनों का दुख का पैरामीटर सेम होगा? नहीं. क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास पैसे तो बहुत लिमिटेड होते हैं, है ना? तुम्हारे पास पैसे तो लिमिटेड होते हैं, एक लिमिटेड पॉकेट मनी मिलती है, डिपेंडिंग कि आप कैसे फैमिली से हो, आपको डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी मिलती होगी, बट जितना भी मिलता होगा 500 तो उस रिलेटिव अमाउंट पे तो अच्छा खासा अमाउंट होगा, तो आपको तो 4-5 दिन तक तो दुख होगा उसका। अब मैं अपनी भी बात करूं तो हाँ, मैं अगर खो दूंगा 500 रुपए तो दुख होगा मुझे भी, क्योंकि पैसे तो खोना है तो एक अच्छी चीज नहीं होती है, तो दुख तो होगा, बट वो दुख 4-5 दिन तक तो कंटेन नहीं करेगा, होगा मे बी सुबह से लेके मे बी शाम तक दुख होगा, बट उसके बाद फिर और फिर अगले दिन सो के उठूंगा तो फिर तो दुख नहीं होगा। तो अगर देखोगे तो दोनों के लिए जो अमाउंट ऑफ चेंज है वो तो सेम है, बट फर्क किसको ज्यादा पड़ रहा है, जिसके पास ज्यादा था या जिसके पास कम था?
उसके पास कम था। तो अगर आप मास के चेंजेस की बात करते हैं तो मास की चेंजेस जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हैवी पार्टिकल्स के लिए होते हैं या सिर्फ लाइट पार्टिकल्स के लिए होते हैं, मास दोनों के लिए चेंज करते हैं। बट हैवी पार्टिकल्स में ये मास के जो चेंजेस हैं वो उसको कम फील होते हैं और लाइट पार्टिकल्स को ये ज्यादा फील होते हैं। इसीलिए लाइट पार्टिकल्स को यूज करके हम चार्ज पार्टिकल को साइक्लोट्रॉन में एक्सेलरेट कराने के लिए यूज नहीं करते। क्या आपको बात समझ आ रही है? क्यों क्या प्रॉब्लम होगा उससे? सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम टॉगल कर रहे हैं डायरेक्शन में और जो चार्ज पार्टिकल एक डी से दूसरे डी में एंटर कर रहा है, उन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा और इसीलिए एक्सेलरेट करने की बजाय हो सकता है उसको डिसेलरेट करा दे। समझ आई? ठीक है, तो बस आप ये याद रखना कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करा सकते, क्योंकि जनरली ये यहाँ पे ऐसा ही पूछते हैं कि जैसे चार्ज पार्टिकल्स को नेम दे देंगे, मतलब ये एक कुछ कुछ नाम दे दिया और फिर बोलेंगे बताओ इसमें से कौन सा एक्सेलरेट करा सकते हैं कौन सा नहीं करा सकते। तो नहीं करा सकते में इलेक्ट्रॉन अगर देख लिया तो समझ जाना कि नहीं वही होगा, ठीक है, क्योंकि वो लाइट पार्टिकल है बहुत, बाकी सब उसके कंपेरिजन में बहुत हैवी है। तो प्रोटोन बोले, अल्फा पार्टिकल बोले, सबको करा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर बोले न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट करा सकते हैं नहीं करा सकते, तो न्यूट्रॉन को करा सकते हैं। न्यूट्रॉन में चार्ज है? नहीं सर। तो हैवी देखेंगे बट चार्ज नहीं देखेंगे। हाँ, क्या महिमा? नहीं सर, नहीं करा सकते। आप सॉरी नहीं बोलेंगे? सॉरी नहीं बोल रहे हैं? सॉरी सर। So, ये चीज का ध्यान रखेंगे हम विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी m इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर आल्सो इंक्रीजेस एंड इट क्रिएट्स अ सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम between toggling मतलब चेंज करना, ठीक है, toggling of direction of electric field and switching over of charge from 1D to the other D. Okay? So therefore, light charge such as electron cannot be accelerated using cyclotron. ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्लियर है सभी को? बोलिए बिटवीन है, बोले क्लियर है? कार पर है? बिटवीन ये प्रॉब्लम भी है। सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम बिटवीन टॉगलिंग, TOGGLING। यस ठीक है।